हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप सभी लोग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी तो आज निश्चय के सेशन में स्वागत है आप सभी लोगों का और हम बात करेंगे वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा जिसमें हम चर्चा कर रहे होंगे सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स जानते हो कितने सवाल आते हैं आज के इस चैप्टर से अगर आप टोटल वेटेज की बात करोगे ना बेटा तो कम से कम तीन सवाल बेटा एटलीस्ट एटलीस्ट लिख रहा हूं मैं यानी कि मिनिमम मिनिमम तीन सवाल का मतलब है ट्वेल्व मार्क बेटा ट्वेल्व मार्क आज आप पक्के कर सकते हो ठीक है कम से कम बारह नंबर क्योंकि पीएन जंक्शन से सवाल आता है ट्रांजिस्टर से सवाल आता है और सवाल आता है लॉजिक गेट से तो अगर इन तीनों से एक एक सवाल भी मिनिमम आता है तो इस चैप्टर से आपको टोटल बारह नंबर मिलते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नंबर एक दिन में दो से ढाई घंटे की क्लास में अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है ठीक है और आज थोड़ा समय को रिड्यूस करने के लिए एकदम क्रिस्प नोट्स के साथ जो मैंने खुद लिखे हैं आप देख पा रहे हैं वो कितने सुंदर नोट्स हैं नोट है, है मस्त लग रहे हैं कि नहीं मस्त लग रहे हैं कि नहीं टाइप्स ऑफ मटेरियल के साथ कहानी शुरू होगी सुंदर नोट्स के साथ बयां करेंगे सारी चीजों को राइट एक बार बताओ जरा फटाफट से थम्स अप करके कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग जल्दी बताओ वेरी गुड मॉर्निंग यस ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे ऑफ कोर्स डोंट वरी ठीक है आपको बस क्या करना है टी डॉट मी आपने गूगल पे जाकर टाइप करना है टी डॉट मी स्लैश माही सर ठीक है स्लैश माही सर फिजिक्स और ये नोट्स मिल जाएंगे आपको फॉर शॉर्ट ठीक है तो हाँ जी ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और ये बहुत बहुत खूबसूरत नोट्स हैं और ये पूरी फिजिक्स के नोट्स हैं ऐसे नहीं कि एक दो चैप्टर के लिखे हुए ये पूरी फिजिक्स के लिखे हुए यार इतने इतनी मेहनत से इतने गजब के नोट्स बनाए हुए हैं कि तुम लोगों को नेक्स्ट लेवल पर आनंद आने वाला है मतलब क्या कहूं ठीक है यस yes, एवरी तो बिल्कुल आप जो है निश्चिंत रहो बिल्कुल आप लोग जो है निश्चिंत रहो और मस्त पढ़ाई करते रहो बस ठीक है है ना जी चलो बढ़े आगे एवरीवन। हाँ जी और भाई निश्चय की क्लास है अर्जुना की तो है नहीं तो निश्चय की क्लास है तो सर सवाल भी तो चाहिए तो ढेर सारे सवाल भी यहां पर होंगे उसमें भी कोई कमी नहीं है आप देख सकते हो इतने इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन की तुम लोग कर करके थक जाओगे राइट इतने सारे सवाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे हंड्रेड एंड टेन परसेंट ठीक है तो देखो आप जरा यहां पर सवालों की भी हमने लाइन लगा के रखी हुई है तो सवाल भी बहुत सारे होंगे ठीक है चीजें बीच बीच में आपको जहां जरूरत लग रही होगी पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा लेकिन बस जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उनको मैंने पहले से लिखा इसलिए हुआ है ताकि हमें थोड़ा समय बचाने में फायदा हो जाए ज्यादातर हम क्वेश्चन कर पाए अदरवाइज नहीं तो ना क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी साढ़े तीन घंटे की इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते करते जो मैं नहीं चाहता राइट right? आज मैं हैंडसम लग रहा हूं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच या तो वाइट बैकग्राउंड का कमाल है या फिर सुंदर नोट्स का कमाल है ठीक <laughs> है चलिए बच्चों तो सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स में कहानी को आगे बढ़ाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ढंग से आप समझना हम बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ मटेरियल की देखो तीन तरह के मटेरियल आप लोग पढ़ते हैं वैसे तीन तरह तरह के के सॉलिड्स की हम बात मटेरियल तो बहुत अलग-अलग हो सकते हैं पहला आता है बेटा कंडक्टर जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखे हैं या आने वाले दिनों में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और पढ़ेंगे तब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है बेटा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहां पर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये बेसिकली लूजली बाउंड होते हैं कैसे बाउंड होते हैं बेटा ये ये लूजली बाउंड होते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा फोर्स से बाउंड नहीं होते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के उनके ऊपर बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दैट इज वाई बहुत आसानी से वो अवेलेबल होते हैं मूवमेंट के लिए ट्रांसफर के लिए इसलिए हम उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं तो कंडक्टर बेसिकली क्या होता है सर ओशियन ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं राइट और यहां पर बैंड थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे बेटा आप कहेंगे कि सर ये बैंड थ्योरी क्या चीज होती है थोड़ा आप इसको बैंड्स को समझा देंगे ना तो आसानी हो जाएगी तो बेटा बैंड थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं आप बिल्कुल निश्चित मैंने क्या कहा था कि हर एक चीज हम समझेंगे डिटेल में आपको बिल्कुल जो है निश्चिंत रहना है चीजों को बस समझते हुए चलना है ठीक है तो बैंड थ्योरी के हिसाब से क्या होता है आ जाइए जरा यहां पर मैं आपको समझाता हूं अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी जब आप यहां पर देखोगे ना बेटा अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बेटा किसका हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का किसका एग्जाम्पल लिया बेटा सोडियम का सोडियम क्या होता है तो सोडियम का अटोमिक नंबर में आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर ग्यारह होता है इलेवन एम आई राइट एवरीबॉडी सोडियम का

अभी अगर आप यहां पर डायग्राम बनाकर देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर यहां पर केवल वन साइड स्पिन इज अवेलेबल दूसरा स्पिन अवेलेबल नहीं है आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट यहां पर आपका क्या हो रहा है वैकेट प्लेस एक तरह से बोल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास राइट बच्चों अब ये एक सिंगल सोडियम एटम है इसको थोड़ा सा ऐसे भी बना लेते हैं कि सर यहां पर ना सोडियम का न्यूक्लियस होगा इसके आजू बाजू एक शेल होगी ठीक है सर इसके आजू बाजू भी एक शेल होगी है ना यहां पर एक शेल है फिर हम एक और शेल बना देते हैं ठीक है हमने एक और शेल बना दिया फिर हमने एक और शेल बना दिया राइट फिर हम एक और शेल बना देते हैं चलो कोई बात नहीं एक और शेल बना देते हैं अलग अलग ये सारी चीज़ें करते रहने से आपको बहुत सारे चीज़ों का आइडिया लगेगा यहां uh, पर आपने लिया बेटा यहां पर आपने लिया सोडियम ठीक है यहां पर आपने लिया बेटा सोडियम ठीक है अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहां पर होते हैं सर दो यहां पर होते हैं दो यहां पर कितने होते हैं बेटा टू प्लस सिक्स एट यहां पर हो जाएंगे सर टू प्लस सिक्स, एट, येस और नो, टू प्लस सिक्स एट होने चाहिए इस शैल में एस और पी दोनों यहां पर ये जो आपके पास लेयर लेस वाली इसके पास केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या आप सभी लोग देख पा रहे हैं यस हमने आटम पढ़ा और एटम में हमने समझा था कि सर ये जितने भी जितने भी ऑर्बिट्स हैं इन सभी ऑर्बिट्स का जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग होता है एम आई राइट एवरी वन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन कौन से ऑर्बिट में आप हैं उस हिसाब से एनर्जी अलग होगी ये अगर ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स होगी इसकी माइनस थ्री पॉइंट फोर होगी इसकी माइनस वन पॉइंट फाइव वन होगी और ऐसे करते करते एनर्जी लेवल्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हर एक, हर एक एक ऑर्बिट हैज अ डिफरेंट एनर्जी लेवल एम आई राइट एवरी वन यस जल्दी से तुम लोग लिखो यस yes, नो no, समझ में आ रही है बातें बहुत बढ़िया तो बेटा एक बात हम ये भी जानते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये इंटरैक्ट करेगा बॉन्ड बनाएगा या एक्सचेंज करेगा तो ये उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा एक्सचेंज होगा जिसका एनर्जी लेवल इस ऑर्बिट के एनर्जी लेवल से मैच करता होगा बेटा बोलो यस और नो एवरी अरे हां कि ना तो दोस्तों अगर ये तुम्हारे पास एक सोडियम का एटम है ठीक है एक सोडियम के एटम में आपने अभी देखा कि सर 3s का हाउस इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड इट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब मैं यहां पर ऐसा एक नहीं दो नहीं बहुत सारे मान लीजिए मैंने यहां पर क्या किया बेटा एक और सोडियम एटम मैंने रखा लेकिन बहुत दूर रखा बहुत दूर रखा अभी अभी इन दोनों सोडियम एटम्स के पास में देयर इज नो इंटरेक्शन बेटा इनका आपस में भी कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बट अगर हम क्या करेंगे बेटा इफ वी टेक देम क्लोज टूगेदर यहां पर इनको हम क्या करते हैं बेटा बहुत पास पास लेकर आते देखो ठीक है ऐसे करते हैं अपन बहुत पास पास लेकर आते लेकर आए बहुत पास पास लेकर आते तो इसको ये वाला जो आप अभी देख रहे हैं बेटा ये वाला जो आप अभी देख रहे हैं इसको हम क्या करने वाले हैं इसको हम पास लेकर आने वाले हैं किसके इस वाले सोडियम एटम के तो जब हम इसको पास लेकर आएंगे पास लेकर आएंगे पास लेकर आएंगे पास लेकर आएंगे तो जो एनर्जी लेवल्स हैं सेम एनर्जी लेवल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के साथ क्या करेंगे बेटा एक दूसरे के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे और कुछ इस तरह का सेटअप बनेगा बोलो यस और नो एवरी वन तो इफ यू टेक मल्टीपल एटम्स क्लोज टूगेदर तो उनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आपस में क्या कर रहे होते हैं इंटरैक्ट कर रहे होते हैं बेटा और जब इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इट सेल्फ हैज अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी और उस वजह से परफेक्ट ओवरलैप नहीं मिलेगा आपको इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस मिलती है एम आई राइट एवरी वन इस तरह से आपको नंबर ऑफ लाइंस देखने को मिलेंगी इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस देखने को मिलेंगी और इफ़ यू लुक एट दिस नंबर ऑफ लाइंस बेटा तो ये नंबर ऑफ लाइंस एक दो तीन चार एटम मिलाओगे तो एक दो तीन चार लाइन दिखेंगी जब आप दस एटम्स को एक साथ लेकर आओगे तो दस लाइंस दिखेंगी जब आप हजार एटम्स को एक साथ लेकर आओगे तो हजार लाइंस दिखेंगी जब आप बहुत सारे एटम्स को, एन एटम्स को को नंबर ऑफ साथ में लेकर आ जाओगे तो फिर आपको लाइंस नहीं नजर आएंगी फिर आपको ये इस तरह से इस तरह से बैंड दिखेगा बेटा तो यहां पर हम इसे क्या कहते हैं इट हैज डिफरेंट एनर्जी लाइन इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं क्या यह बात सबको समझ में आई बोलो जल्दी से यस और नो इतना क्लियर हुआ फटाफट बताइए क्या इतना सबको क्लियर हुआ एवरी एक बात हम सब करो फटाफट से अगर यह बात समझ में आ गई कि जी सर एनर्जी बेंड्स हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया क्या मस्त आपने एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे यहां पर कैसे यहां पर इंटरेक्शन होगा सेम एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज यहां पर क्या करेंगे बेटा ऐसे लेयर्स बनाती जाएंगी लेकिन जब मल्टीपल एटम्स एक साथ आएंगे तो ये लेयर्स आपको यहां पर लाइन के फॉर्मेट में ना दिखकर इस तरह से बैंड के नजर से दिखेगी अब वो सारे बैंड्स जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं और वो सारे के सारे बैंड्स जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है एम्प्टी बैंड है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं ठीक है आ रही है बात समझ में एवरी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सेशन को लाइक करते जाना अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो बैंड आपको समझ में आ गए तो दो तरह के बैंड वही हम यहां पर बात कर रहे थे बेटा बेटा उनको हम 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 क्या कहते 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 हैं 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 एक को को वैलेंस बैंड दूसरे कंडक्शन बैंड तो जो कंडक्टर होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और बैंड और कंडक्शन परफेक्टली ओवरलैप करते हैं जिससे यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एंड ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बेटा ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं सर इंसुलेटर्स की इंसुलेटर्स में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बाउंड होते हैं बाय दी न्यूक्लियस इट बेटा तो अगर आप उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना चाहते हो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू तो सप्लाई टू तो टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो यहां पर अब एक, बा, एक बात और होती है बेटा जो वैलेंस बैंड का टॉप है और जो कंडक्शन बैंड का बॉटम है वैलेंस बैंड के टॉप और कंडक्शन बैंड के बॉटम के बीच में जो गैप होता है दैट गैप इज नोन एज यहां पर फोर बिडन एनर्जी गैप बेटा क्या कहते हैं एनर्जी गैप कहते हैं यहां कंडक्टर के केस में ये ऑलमोस्ट जीरो होती है लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर इट इज वेरी हाई बेटा कितना है तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इत, इस, इस तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को ओवरकम करने के बराबर आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा एनर्जी देनी पड़ेगी विच इज वेरी डिफिकल्ट इसलिए इंसुलेटर क्या करते हैं कंडक्ट नहीं करते हैं आसानी से ठीक है समझ में आ रही है बात बहुत बढ़िया दूसरा सेकेंड बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स के बारे में तो बच्चों जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं डज नॉट कंडक्ट एट जीरो कैलविन जीरो कैलविन पर कोई कंडक्शन नहीं होगा क्योंकि वैलेंस बैंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड विथ को वैलेंट बॉन्ड बेटा अभी वो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं आपको एनर्जी देकर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा जंप करके भेजना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में तब जाकर वो कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल होंगे इसलिए सेमीकंडक्टर्स जीरो कैल्विन पर कंडक्ट नहीं करते हैं बट जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यहां का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप करके चला जाता है कंडक्शन बैंड में जहां पर ये अवेलेबल होता है कंडक्शन के लिए तो बेटा फोरबिडन एनर्जी कैप बहुत कम होता है इट इज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज वेरी इजी टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन एक्साइट एंड जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड अगर आप बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर मटीरियल की समझ में आ रहा है सभी लोगों को यस एवरी वन

कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर यहां पर क्या लिखा है नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अभी तो बॉन्डेड है ना जब तक तुम इन्हें फ्री नहीं करोगे ये मूव नहीं करेंगे बेटा ऑलवेज फुलफिल बाय इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है ठीक है ऑलवेज फुलफिल बाय इलेक्ट्रॉन यहां तक चमक रहा है सभी लोगों को बहुत बढ़िया अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंडक्शन बैंड के बारे में बात करते हैं रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज कंडक्शन बैंड बेटा कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है इन जनरली पार्शली फिल्ड बाई इलेक्ट्रॉन यहां पर कंडक्शन बैंड इज एम टी कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल जैसा आप अभी सेमी कंडक्टर के केस में देख रहे हो जीरो कैलविन पे वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड कंडक्शन बैंड इज बेटा ये भरा हुआ है ये खाली है तो कंडक्शन नहीं होगा जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा और कंडक्शन हो पाएगा समझ रहा है एवरी बहुत बढ़िया तो यहां तक अगर बातें समझ में आ गई तो हम बात करते हैं सर फोर बिडन एनर्जी गेप क्या होता है

कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी है तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां यहां से जंप करके यहां आ जाएगा एनर्जी गेट के रीजन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ या फिर वो जंप करके पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में जहां पर वो फ्री होगा और कंडक्ट करेगा इज दैट क्लियर बच्चों

कंडक्टर्स अगर हैं तो जीरो हैं इंसुलेटर्स हैं तो बहुत हाई है सेमीकंडक्टर है तो बहुत कम है तो किस तरह का मटेरियल है उससे डिसाइड होता है कि यहां पर फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा बेटा सेमीकंडक्टर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं तो सेमीकंडक्टर में भी जैसे मटेरियल आपने सिलिकॉन लिया तो उसका फोरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होता है अगर आपने जर्मेनियम लिया तो उसका फोरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन से भी कम होता है तो इसलिए ये नेचर पर डिपेंड करता है आगे विथ इज मोर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटेच्ड विथ द न्यूक्लियस अब इसको समझना थोड़ा सा ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है ना इसको मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिखकर एक्सप्लेन किया है देखना डिक्रीज द लेटेस्ट कॉन्स्टेंट In, in, यहां पर क्या करता, करता अगर अगर है मजबूत होगा और स्ट्रॉन्ग होगा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होगा तो उतना ही ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा टू तो ब्रेक द बॉन्ड एंड टू गेट द इलेक्ट्रॉन फ्री इन कंडक्शन बैंड समझ में आ रही है बात तो एक सवाल इस तरह का बन सकता है कि लेटेस्ट कांस्टेंट का फॉरबिडन एनर्जी गैप पर क्या असर पड़ता है पढ़ते हो आप लोग केमिस्ट्री में तो वहां पर आपने लेटेस्ट कांस्टेंट पढ़ा हुआ है वहां पर इंटरअोमिक डिस्टेंसिस आपने पढ़ी आप सब कुछ जानते हो बस छोटी छोटी बातों को मैं को कर रहा हूं प्लीज फोकस्ड होकर सुनिएगा ठीक है थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन बहुत सारे सवाल करेंगे तो ये उतना ज्यादा थियोरिटिकल आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला ठीक है आगे बात करते हैं विट ऑफ तो फोर बिड एन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेटा इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इफ यू एक्सलरेट इलेक्ट्रॉन बाय वन वोल्ट बेटा ठीक है चलिए एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस फोर बिटन एनर्जी गैप डिक्रीजेस बट बहुत कम ये इफेक्ट होगा बेटा बट होगा जरूर तो आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर फोर बिटन एनर्जी गैप कम होता है ठीक है बच्चों चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स पर बात करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं फोर एनर्जी गेप को लिखा हुआ है अलग अलग Uh, यहां पर एक्साम्पल्स के साथ फिर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और बहुत सारे सवाल बेटा ठीक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी एक एक करके रीड करते बेटा नेगेटिव टेम्परेचर क्वाइफिशंट अल्फा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज इनिशियली इफ यू लुक एट द फिगर यू फाउंड दैट वेलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड बेटा अभी आपको क्या दिख रहा है सर वैलेंस बैंड यहां पर फिल्ड दिख रहा है

बिकम एक्साइटेड और जब एनर्जी फोरबिडन एनर्जी गेप से ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास वो इमीडिएटली जंप करेगा वैलेंस बैंड से कहां पर कंडक्शन बैंड में और वहां जाके फ्री हो जाएगा तो अगर हम ये कहें कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है मतलब कि रेजिस्टिविटी कम हो रही है रेजिस्टेंस कम हो रहा है जबकि कंडक्टर्स के केस में बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा इसलिए यहां पर नेगेटिव टेम्परेचर को होता है रजिस्टेंस डिक्रीज होता है ठीक है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विथ को बॉन्डेड यहां पर आप अगर देखेंगे एफ मतलब सेमीकंडक्टर जो है आप लोगों ने ये सॉलिड में पढ़ा होता है ना ठीक है तो यहाँ पर हम ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुसेंगे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को ऐड करके ऐसा इसने क्यों लिखा है क्योंकि दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हमें पढ़ने होते हैं बेटा एक होता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर दोनों बातें मैं आपको अभी बताऊंगा ठीक है नाउ प्लेस इन पीरियोडिक टेबल ये यहां पर छोटी छोटी बातें, बात है पॉइंट वन से थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है जैसे मैंने लिखा यहां पर जर्मेनियम के लिए अगर आप देखोगे बेटा तो कितना है पॉइंट सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए अगर आप देखोगे बेटा तो कितना यहां पर वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है समझ में आ रही बात आप लोगों को ठीक है नाउ देर यहां पर चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं बेटा देर आर मेनी सेमी कंडक्टर बट फ्यू ऑफ देम हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स में अब टेम्परेचर पर इसका क्या असर पड़ता है और कैसे हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ी, थोड़ी बातें मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने लिखा ना यहां पर ये ये जो वर्ड लिखा चार्ज कैरियर्स यहां पर कौन होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे ये कैसे डिसाइड हो रहा है चलो थोड़ा सा यहां पर हम आ जाते हैं बेटा राइट तो आ जाओ आप लोगों को बताते हैं क्या चीज हो रही है सिलिकॉन की हम बात करते हैं बेटा किसकी बात करते हैं सिलिकॉन की बात करते हैं ठीक है एवरी तो यहां पर हमने बात करी बेटा सिलिकॉन की सिलिकॉन की अगर हम बात करें बताइए सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सर चार जवाब आएगा आपका कितना बच्चों चार एवरी वन यहां आप बोलेंगे कि भैया एक यहां पर बना लो 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 अब एक अकेला सिलिकॉन तो होगा नहीं पूरे मटेरियल में पूरे स्ट्रक्चर में यहां पर बहुत सारे सिलिकॉन होंगे हमने कहा हां यार बात तो सही है बहुत सारे सिलिकॉन होंगे ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन होंगे ऐसे तो ठीक है भाई बना लिए बहुत सारे सिलिकॉन बहुत सारे सिलिकॉन ऐसे बना लो ठीक है बच्चों बहुत सारे सिलिकॉन इस तरह से बना लो ये बना लिए हमने बहुत सारे सिलिकॉन अब इन बहुत सारे सिलिकॉन को इन बहुत सारे सिलिकॉन को बनाने के बाद में जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमको बात समझ में आ रही है जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही है कि कैसे यहाँ पर चीज़ें होंगी ठीक है ये चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लो बहुत मस्त अभी समझ में आएगा आप लोगों को ठीक है ठीक है तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है ये भी दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है यहाँ पर ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है

नियर बाय सिलीकॉन के साथ ये इधर नियर बाई सिलीकॉन के साथ ये इधर नियर बाय के साथ ये इधर नियर बाय के साथ ये इधर नीयर बाय के साथ ये इधर नियर बाय के साथ ये इस तरफ नीयर बाई के साथ ये इस तरफ नीयर बाय के साथ एवरी वन समझ गए आप डायग्राम को समझ गए कि नहीं पहले ये बताओ जरा डायग्राम को समझ गए ना आप लोग डायग्राम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा ऑटोमेटिकली ठीक है डायग्राम क्लियर होना बहुत जरूरी है यहां तक सब लोगों को बात समझ में आ गई कि सर क्या चल रहा है ठीक है सिलिकॉन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऐसे अगर बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को एक साथ रख दिया तो ये आपस में क्या करेंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएंगे अब अभी अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम आपने कहां पर बना रखा दिस इज द डायग्राम एट जीरो कैलविन बेटा ऑल द इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड टूगैदर ठीक है पर क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे है? बेटा बॉन्डेड हैं इलेक्ट्रॉन्स अभी कैसे हैं बच्चों बॉन्डेड हैं ठीक है बहुत बढ़िया लेकिन अब क्या करेंगे तो अब कर ये रहे हैं कि हमने यहां पर क्या किया हमने यहां पर सेम सेम सिस्टम लिया बेटा लेकिन अब इसको थोड़ा सा यहां पर रखेंगे अपन ठीक है रुको सिमिलर डायग्राम आई एम टेकिंग Over here, similar diagram में ले रहा हूं बेटा बस थोड़ा 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 सा 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 छोटा 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 बना बना देता दे रहा इसको भी कर देते हैं, इसका साइज अगर करेंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा सा इसको भी मैंने छोटा कर दिया राइट छोटा कर दिया आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं तो बच्चों अब क्या होगा ये वाला जो हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं सर एट रूम टेम्परेचर कहां पर बेटा एट रूम टेम्परेचर ठीक है एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चों होता है सर 27 डिग्री सेल्सियस या फिर आप उसको बोलोगे और 300 Kelvin. आपने बढ़ाया अब बढ़ने से क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ने से ये जो इलेक्ट्रॉन था कौन सा वैलेंस बैंड वाला ये थर्मल एनर्जी को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा और उस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएगा एक्साइटेड होकर इस को, को ये क्या करेगा बेटा तोड़ देगा करेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा तोड़ेगा तो क्या होगा यहां पर देखो खाली जगह हो गई यहां पर क्या हो गया बेटा खाली जगह हो गई ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से जंप करके ये जब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा जंप करके फ्री हो जाएगा फ्री हो गया कहां पर चला गया बेटा ये फ्री होकर चला गया आपका कहां पर कंडक्शन बैंड में पीछे इसने क्या छोड़ा पीछे इसने छोड़ा बेटा एक होल पीछे इसने इसने क्या 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 छोड़ा पीछे इसने जग छोड़ दी वैकेंसी वैकेंसी उस वेकेंसी को हम कह कह रहे रहे बेटा होल हैं यह बात सबको समझ में आ रही है सर कैसे अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके गया तो इसने वैकेंसी कैसे क्रिएट करी तो बेटा इसको समझो जरा एक्चुअल में क्या चीज हो रही थी आपके पास बैंड्स थे आपके पास बैंड्स है जिसको तो यहां पर आप देखेंगे सर ये मेरे पास वैलेंस बैंड है सर इसके जस्ट ऊपर यहां पर हमारे पास कंडक्शन बैंड है ठीक है भाई ये हमने बना दिए बैंड्स

यहां पर इलेक्ट्रॉन के आते ही पीछे जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन पाया जाता था वहां पर अब हो गया होल होल क्यों हो रहा है उसको समझो होल क्यों हो रहा है उसको समझो बेटा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं Q इनिशियल शुड बी इक्वल टू Q फाइनल बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें कहता है कि पूरे यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए पहले अगर यहां पर क्या था बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहां से यहां चला गया तो इलेक्ट्रॉन यहां आया ना नेगेटिव चार्ज अगर यहां से निकल रहा है नेगेटिव चार्ज अगर यहां से निकल रहा है तो पीछे उसको प्लस छोड़कर जाना पड़ेगा तब जाकर नेट चार्ज क्या रहेगा मेंटेन रहेगा इज दैट क्लियर यस चलो तो यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को बहुत बढ़िया अब एक बात और करते बेटा यहां तक सारी चीजें समझ में आने के बाद में तो हमें यह समझ में आ रहा है कि सर सेमीकंडक्टर के केस में इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं क्या जनरेट होते, होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं नाउ हाउ दिस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्ट्रीब्यूट इन कंडक्शन बेटा सवाल क्या आ रहा है सवाल ये आ रहा है कि सर हाउ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट इन कंडक्शन ठीक है तो यहां पर सवाल आपके मन में आया और उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं बेटा हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूट इन कंडक्शन कैसे यहां पर यह कंडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इसके बारे में बात करते हैं बेटा ठीक है ठीके? देखो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे सर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एवरीवन इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे सर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और अगर हम होल्स की बात करेंगे बेटा तो ये कैसे होते हैं सर ये होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा इन्हें हम कहते हैं सर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या कहते हैं दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज नेगेटिव है बेटा होल्स के पास उतना ही चार्ज क्या है उतना ही चार्ज पॉजिटिव है इसके पास जितना चार्ज नेगेटिव है उतना ही इसके पास पॉजिटिव है ठीक है होल्स की अगर हम बात करें बेटा ये एक तरह से इमेजनरी चार्ज है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा होल्स को एक तरह से हम बोलेंगे सर ये इमेजनरी चार्ज है सर क्यों इमेजनरी बोल रहे हैं क्यों इमेजनरी बोल रहे हैं बिकॉज इसके पास कोई मास नहीं है नो no मास जबकि हम जानते हैं चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है दिस इज द स्पेशल केस जहां पर मास्क नहीं है लेकिन चार्ज हम कह रहे हैं टू मेंटेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा इसलिए हम इसे इमेजनरी चार्ज कहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया अब एक बात ध्यान से सुनो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल हमेशा देता हूं हम जब मॉल में जाते हैं गाड़ी पार्क करते हैं वहां से हम समझ सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैसे कंडक्ट करते हैं एक छोटी सी बात मैं आपको और ज़रूर बता देता हूं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहां पर की कॉन्सेप्ट है वो ये है ना कि अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए अगर इधर मूव कर रहा है तो इसकी वजह से जो करंट होगा आई माइनस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और कोई भी चार्ज अगर मान लीजिए पॉजिटिव है वो अगर राइट साइड मूव कर रहा है तो उसकी वजह से

मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया यहां पर एनालिसिस बनाता हूं ठीक है तो कुछ बक्से बना ले क्या बोलते हो ये कारें हैं ये क्या है बेटा दीज आर दी कार्स ये क्या है बेटा? ये कार्स हैं। अगर ये कार्स हैं, तो अब इनको समझना इनको कार को हम यहां पर एज इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे ठीक है और जो खाली जगह होगी उसको हम कंसिडर करेंगे whole, और जो खाली जगह होगी इस तरह की और जो खाली जगह होगी ना बेटा इस तरह की उसको हम कंसिडर करेंगे एज होल इसको हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा इसको हम कंसिडर करेंगे एज होल तो यहां पर इसको हम लिखेंगे सर एज होल इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ होल वेरी गुड तो ये जो आपने होल बनाया है इसको आप क्या करें बेटा इसको आप यहां लाके पटक दे चलो ये रहा आपका होल अब क्या करेगा देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि यार ये खाली जगह है चलो इस खाली जगह को भरते हैं चलो इस खाली जगह को भरते हैं एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मोल में होती है हम गाड़ी पार्क लगाने के लिए खड़े होते हैं हमारे आगे अगर कोई गाड़ी नहीं है तो हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं हमारे पीछे वाला भी गाड़ी आगे बढ़ाता है ऐसे एक एक कार आगे बढ़ती है और ऐसा लगता है ऐसा लगता है जो अभी मैं करने वाला हूं बेटा क्या होगा जब ये गाड़ी है ना जब ये गाड़ी अब देखो थोड़ा सा इसको जो है ना डायग्राम ऐसे करेंगे बेटा जब ये गाड़ी ऐसे आगे जाएगी बोलो ये नो जब ये गाड़ी विजुअलाइज करो यहां पर सभी लोग विजुअलाइज करना और दिल बनाना चार्ट सेक्शन में अगर समझ में आ जाए पूरी बात जब ये गाड़ी यहां से ऐसे 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 आगे बढ़ के इस जगह पर आएगी जब ये गाड़ी इस जगह पर आएगी तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये होल हमको ऐसे पीछे जाता हुआ नजर आएगा बोलो ये सो नो बोलो ये सोनो एवरी वन अच्छा उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि सर आपको ये समझ में आएगा कि अब अगर ये वाली गाड़ी ऐसे ऐसे अब अगर ये वाली दोनों गाड़ियां ऐसे आगे बढ़ेंगी ये वाली दोनों गाड़ियां आगे ऐसे बढ़ेंगी तो ये जो होल ये जो होल है ये हमको कहां पाया जाएगा बेटा ये होल कहीं यहां पाया जाएगा एम आई राइट एवरी सबको चमक रहा है सबको चमक रहा है तो अगर मैं कहूं कि दिस इज द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन तो यहां पर इसकी वजह से करंट बनेगा बेटा हमारा आई माइनस इधर तो आप बोलोगे कि सर होल का जो होल का जो मोशन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसकी वजह से करंट भी यहां पर क्या होगा बेटा उसकी सेम डायरेक्शन में होगा तो दो लोग हैं इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है और दोनों की वजह से हमें करंट मिल रहा है तो हम लिखेंगे सर आई नेट यहां पर क्या मिलेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहां पर मिलेगा बेटा because of because of minus and because of plus. और दोनों दोनों क्यों हो रहे हैं? क्योंकि के करंट right. अच्छा. क्या लिखते हैं बेटा करंट को हम लिखते हैं यहां पर एन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स ए यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहां पर आप लिखोगे सर वी डी ड्रिफ्ट स्पीड ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला हैं बेटा हम लोग फिर यहां पर आप लिखोगे सर नंबर ऑफ होल्स इंटू में ई इंटू में ए और यहां पर आप लिखोगे सर वी डी ठीक है क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ईच वन ऑफ यू जल्दी से बताओ कि हां भैया यहां तक हमें क्लैरिटी है कहीं कोई परेशानी नहीं है कहीं कोई परेशानी नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर हो रहा है ना बेटा इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर के मूवमेंट से हमें करंट मिलने लगता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड दैट इज व्हाई जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो हमें क्या मिलता है सेमीकंडक्टर में करंट मिलता है यही रीजन है रजिस्टिविटी कम होती है यही रीजन है रजिस्टेंस आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कम होता है क्या यह बात सबको समझ में आ गई बहुत बढ़िया तो दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा कि करंट आई को हम क्या लिख सकते हैं करंट आई इज टू लिखा जा सकता है सर एन ई ए और यहां पर वी डी बहुत बढ़िया दोस्तों आई डिवाइडेड डिवाइडेड बाय अगर आप A करोगे तो इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी मैं एक एक चीज आपके सामने लिख रहा हूं कोई भी फॉर्मूला आपको रटना ना पड़े एंड दिस करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे ये करंट डेंसिटी किसमें रिप्रेजेंट की जाती है बेटा जे से रिप्रेजेंट की जाती है वेरी गुड अच्छा आपने एक चीज और देखी होगी सर ये करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू यहां पर क्या होता है सिग्मा कंडक्टिविटी इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहां पर ये सिग्मा क्या है इस सिग्मा को हम बोलते हैं सर कंडक्टिविटी इस सिग्मा को हम क्या कहते हैं बच्चों कंडक्टिविटी कहते हैं ई को हम क्या कहते हैं दोस्तों ई को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं एवरीवन ई को हम क्या कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ठीक भैया ये बात भी समझ में आ गई तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा रिजल्ट तो ये ऐसा बनेगा कि सर दिस विल बी जे जे इज इक्वल्स टू एन ई e, और यहां पर आ जाएगा बेटा वी डी लेकिन इसी जे को मैं क्या लिखूंगा बेटा सिग्मा इंटू में ई एवरी वन अरे यहां पर आई बाई ए की जगह क्या लिख दूंगा ए को नीचे लाऊंगा तो ये जे हो जाएगा और जे को क्या लिखूंगा सिग्मा इंटू में ई e. तो दोस्तों एक छोटी सी बात बनेगी कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू एन ई और यहां पर बनेगा बेटा डिवाइडेड ई ये जो वर्ड आपने लिखा ना डी डिवाइडेड बाई इस वर्ड को इसको हम कहते हैं मोबिलिटी इसको हम क्या कहते हैं बेटा इसको हम कहते हैं मोबिलिटी क्या कहते हैं बच्चों मोबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाई म्यू मोबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाई म्यू मोबिलिटी का मतलब है हाउ हाउ रैपिडली इलेक्ट्रॉन और होल इज वांटेड टू मूव वेरी स्मॉल चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यानी कि उनको मूव करने के लिए कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा हाई मोबिलिटी होगा उतने कम एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन होल की मूवमेंट के लिए ठीक है तो ये बात ध्यान रखेगा मोबिलिटी क्या चीज होती है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप यहां से फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे सर सिग्मा इज इक्वस टू क्या हो जाएगा सर एन ई और यहां पर आप लिखेंगे सर म्यू क्या लिखेंगे सर सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई और म्यू रिलेशन सबको समझ में आ गया तो भाई हम तो बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की अरे हम तो बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो अभी हमने लिखा अभी हमने लिखा स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर किसकी बात कर रहे बेटा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर इंट्रेंसिक का मतलब सर प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टर इंट्रेंसिक का मतलब है सर प्योर सेमीकंडक्टर हमने इसके अंदर कोई भी इंप्यूरिटी मिक्स नहीं करी थी यहां पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट से ही हमें करंट मिल रहा है जो कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पे बेटा ठीक है करंट कैसा है यहां पर तो आप बोलेंगे सर करंट करंट यहां पर है ड्यू टू करंट ड्यू टू थर्मली जनरेटेड करंट ड्यू टू यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा थर्मली जनरेटेड थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर बेटा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमने बनाया कैसे थर्मली जनरेटेड थर्मली जनरेटेड क्यों बोल रहे हो क्योंकि आपने मटेरियल में टेम्परेचर को चेंज किया मटेरियल में टेम्परेचर को चेंज किया उससे वैलेंस बैंड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और वो कंडक्शन बैंड में पहुंचा पीछे होल छोड़ के राइट right. तो यहां पर क्या बना बेटा इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बन गया अब इलेक्ट्रॉन और होल्स डायरेक्शन में मूव करते हैं गिविंग राइज करंट्स इन द सेम डायरेक्शन इसलिए यहां पर जो करंट होता है बेटा उसको लिखा जाएगा सर प्लस नंबर ऑफ होल्स इंटू में लिखेंगे e,

अरे लिख ले मैंने के के लिए ये वर्ड के लिए के लिए ये किसके बेटा है तो अगर एनई और एनएच की हम बात करेंगे इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर के केस में एग्जैक्टली सेम होगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही तो होल्स वैलेंस बैंड में बनेंगे एम आई राइट एवरीबॉडी बिल्कुल बात सही है भैया यहाँ तक हमें बात समझ में आ रही है अच्छा अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो क्या एक बात जानते हो अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि यार मैं अगर एन को मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ एन एच के साथ तो क्या ये एन आई का स्क्वायर नहीं हो जाएगा हाँ भैया ये भी हो जाएगा मास एक्शन लो बेटा ठीक है किस नाम से जाना जाता है ये के के नाम से जाना जाता है. मास के नाम से से जाना जाना जाता जाता है है बहुत टू आंसर सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा ठीक है यस एवरीबॉडी ठीक है यहां तक तो बात समझ में आ गई इस सेम फॉर्मुले को अगर मुझे कंडक्टिविटी के फॉर्मेट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा सेम फॉर्मूला मेरा कंडक्टिविटी सिग्मा फोर सिग्मा फॉर इंट्रेंसिक सेमी यहां पर हम क्या लिखेंगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटो में यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटा ई e, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बेटा म्यू और म्यू किसका बेटा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है फिर आप यहां पर लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ होल्स इंटो में लिखेंगे सर ई e, और यहां पर आप लिखेंगे सर मोबिलिटी ऑफ होल्स ठीक है तो दिस इज वॉट वी हैव कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल बेटा हमने कौन सा पढ़ा है एक्सट्रेंसिक अभी नहीं पढ़ा है इंट्रेंसिक हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई हो आई विल बी लुकिंग हमारे खूबसूरत नोट्स की तरफ देखो ऐसा नहीं है कि मैं लिख कर लेकर आया हूं तो मैं कुछ समझाऊंगा नहीं जहां मुझे जरूरत पड़ी एक छोटी सी बात लिखी थी चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं इसके लिए हमने कितनी सारी रामायण को समझा जरूरी है ना चलिए नाउ देर आर मेनी सेमी कंडक्टर बट फ्यू उनका स्ट्रॉन्ग एंड देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन सो सेमी कंडक्टर बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज ब्रेक इन समेलेंस बोन एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड हिसी बिहेव एज अर कंडक्टर पोअर कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं अभी तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट हमें अभी देखने को मिलेगा वी हैव टू इंक्रीज दिस करंट तो हमें टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को चेंज करना पड़ेगा हमें इम्प्यूरिटी को मिक्स करना पड़ेगा बेटा ठीक है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिचिंग फ्रॉम वेलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बस दिया हुआ है बेटा ठीक है के बोल्समैन कांस्टेंट है टी एब्सोल्यूट टेंपरेचर है बस अगर ये पता लग, ये ये ध्यान रख लो एटलीस्ट कि कौन कौन सी चीजें इसमें हैं तो एटलीस्ट प्रोपोर्शनलिटी का ध्यान रहेगा कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द कंडक्शन बैंड इज प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर टू पावर थ्री बाई टू बेटा टेम्परेचर टू पावर थ्री बाई टू ये पता होगा तो टेम्परेचर अगर मैंने इतना गुना कर दिया तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो वो यहां से इस रिलेशन से बताया जा सकते हैं ठीक है बहुत बढ़िया इन सेम कंडक्टर ओम स्लो इज अप्रोक्सिमेटली ओबेड ओनली फॉर द लो इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन टेन पावर सिक्स वोल्ट पर मीटर अब दिस फील्ड द करंट बिकम्स ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फील्ड ऐसा क्यों होता है आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम बात करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग की बेटा ठीक है यहां तक सबको बात समझ में आ रही है टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर में दो तरह के होते बेटा एक इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर होते हैं जिसमें एनी और एन एच बराबर बराबर होते विच इज इक्वल टू एनआई बेटा ठीक है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर

पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी कौन कौन सी है फॉस्फरस पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है ठीक है फॉस्फरस क्या हो गया बेटा पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी हो गया तो यहां से हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर

एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जब थियोरिटिकल चैप्टर होता है ना थियोरिटिकल चैप्टर होता है ना बोलते बोलते, बोलते, बोलते जॉर्ज में दर्द होने लग जाता है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर ठीक है तो क्या होता है बेटा यह होता है बेसिकली आपका इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर यह होता है बेसिकली आपका इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर

अगर हमने इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स किया पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी तो क्या सीन होगा तो यहां पर जो हमने डायग्राम बना रखे थे बेटा इन डायग्राम्स को ही हम लेकर चलते थोड़ा सा समय बच जाएगा हमारा थोड़ा सा समय बच जाएगा हमारा ठीक है तो काम आसान हो जाएगा आ जाओ जरा यहां पर जैसे हम आए जैसे हम आप यहाँ पर पहुंचे हमने देखा कि सर एक मटेरियल हमारे पास है एक मटेरियल हमारे पास है दिखाई दे रहा है सभी लोगों को इस मटेरियल में हम क्या करते हैं बेटा इस मटेरियल में ना हम यहाँ पर ये यह सिलिकॉन को हटा देते हैं हटा दे सिलिकॉन को चलेगा सिलिकॉन को हटा दिया सिलिकॉन को हटाने की जगह मैंने क्या डाल दिया बेटा मैंने यहां पर ना फास्फोरस डाल दिया क्या डाला बेटा मैंने यहां पर फास्फोरस डाल दिया जैसे ही मैंने यहां पर फास्फोरस डाला कम ऑन टेल मी इस फास्फोरस के पास इस फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास कितने बेटा पांच अब इसके पांच इलेक्ट्रॉन्स में से पांच इलेक्ट्रॉन्स में से क्या करेंगे ये जो चार है बेटा ये नियर बाय सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे ये नियर बाय सिलिकॉन के साथ ये जो चार है ना इन्होंने नियर बाय सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया लेकिन एक अकेला यहां पर बदमाश रह गया जो कि फ्री है बोलो यस और नो जो कि फ्री है एंड दिस विल बी जंपिंग क्योंकि ये फ्री है तो आप यहां पर ऑलरेडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रखे हो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का ये उस थर्मल एनर्जी को लेगा और ये तुरंत जंप करके पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में और वहां जाकर ये फ्रीली अवेलेबल रह जाएगा वहां जाकर ये क्या करेगा बेटा फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा तो इस वजह से अगर आप यहां पर देख रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो ये एक ऐसा सेमी होगा जिसको हम कहेंगे बेटा एन टाइप क्या कहेंगे हम यहां पर इसको एन टाइप कहेंगे लेकिन एन टाइप का मतलब ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो इलेक्ट्रिकली कैसा हो गया नेगेटिव हो गया ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है सर ये बात थोड़ी समझा दो सर ये बात थोड़ी समझा दो अरे भाई मैंने फास्फोरस मिलाया है सिलिकॉन में मिलाया है या जर्मेनियम में मिलाया है पहले से वो सिलिकॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था पूरा एज एटम होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था जितने प्रोटोन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे फिर मैंने फास्फोरस मिलाया वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो जब दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीजें मिल रही हैं तो चार्ज कैसे हो जाएगा नेट बेटा तो यहां पर हम बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन ठीक है तो एन टाइप का होता है बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये ऐसा मटेरियल हो चुका है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा वो बहुत ज्यादा होंगे होल्स के कंपैरिजन में मने कि अगर मैं कहूं कि मेजोरिटी अगर मैं कहूं मेजोरिटी चार्ज करियर बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा तो आप बोलेंगे सर मेजॉरिटी चार्ज कोई और नहीं इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज करियर कौन होगा तो होल्स होंगे क्या यह बात सबको समझ में आ रही है इफ यू आर मिक्सिंग पेंटावेलेंट आपको एन टाइप का सेमी कंडक्टर देखने को मिलता है ये yes बच्चों सभी को समझ में आ रहा है सारे फ्यूचर डॉक्टर्स को वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है यहां तक तो बात समझ में आ गई अब एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं यहां तक सबको क्लियर है बेटा जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है सर फ्री है इसका इंप्यूरिटी लेवल चलो एक काम करते हैं इंप्यूरिटी लेवल आपको आगे वाले में समझाएंगे अब अगर हमने ट्राई वैलेंट इंप्यूरिटी मिक्स करी तो क्या होगा बेटा अब अगर हमने ट्राई वैलेंट इंप्यूरिटी मिक्स करी तो क्या होगा आ जाओ जरा जब आपने क्या किया इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में बेटा आपने यहां पर क्या किया सिलिकॉन को हटाया सिलिकॉन को हटा के आपने यहां पर क्या किया बेटा सिलिकॉन को हटा के आपने यहां पर ना बोरोन डाल दिया क्या डाल दिया बेटा बोरोन डाल दिया जैसे ही आपने बोरोन डाला जैसे आपने क्या डाला बेटा बोरोन डाला कोई मुझे बताएगा बोरोन कितना कितनी वैकेंसी होती है बेटा बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते बोरोन के पास कमंडवरी वन बोरोन के पास होते हैं तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन माय डियर फ्रेंड्स बोरोन के पास कितने होते हैं सर तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपको पता है क्या समझ आएगा आपको ये समझ आएगा बेटा कि यहाँ पर ये तीनों ने इन तीनों ने इसने इसके साथ इसने इसके साथ इसने इसके साथ तो बॉन्ड बना लिया लेकिन ये बेचारा अकेला रह गया यहां किसी ने आकर इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया अब ये अकेला फील कर रहा है तो ये देखेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन कि यार मेरे भाई का ना घर खाली है मेरे भाई का ना घर खाली है तो ये इस कोवेलन बॉन्ड को तोड़ के यहां आ जाएगा रिमेंबर दैट दिस इज वैकेंसी नोट अ होल अभी ये खाली जगह है होल नहीं है होल कब बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड को तोड़ के यहां आएगा तो बेटा जब ये इस वैलेंस बैंड को तोड़ के यहाँ आएगा ना वैलेंस बैंड को तोड़ के आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया लेकिन पीछे होल बन गया फिर देखेगा यार ये वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि देखो यहां पर होल है तो मैं इसको जाके भर देता हूं तो यहां तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लेकिन यहां पर होल हो जाएगा ऐसे यहां पर तो थे थे। यहां पर पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ होल्स 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 बन बन रहे रहे हैं हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन तो थे थे ही ये क्यों क्योंकि आपने बोरोन को मिक्स किया बोरोन के पास केवल तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक वैलेंस एक जो इलेक्ट्रॉन होगा सिलिकॉन का वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो यहां पर एडिशनल होल्स आपको मिलेंगे तो एक ये कैसा सेमीकंडक्टर हो गया बेटा ये जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है ये पी टाइप हो गया ये जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है पी टाइप हो गया पी टाइप हो गया यहां पर आप बोलोगे सर जो होल्स हैं वो एक्स्ट्रा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अगर आप बात करोगे ये भी इलेक्ट्रिकली कैसा होगा बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्या यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज करियर इसमें कौन होंगे बेटा होल्स आर दिटी चार्ज करियर्स टाइप का सेमीकंडक्टर आपके सामने है इसमें जो इंप्यूरिटी आपने मिक्स करी है बेटा वो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है एन टाइप में जो आपने इंप्यूरिटी मिक्स करी थी वो डोनर इंप्यूरिटी है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रही है ये एक्सेप्टर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रही है इज दैट क्लियर सभी लोगों को बात समझ में आ रही है जो सवाल आते हैं बेटा सवाल आते हैं वो इस बात पर आते हैं कि जब आप इनको मिक्स करते हैं तो जो इंप्यूरिटी लेवल है वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड के डायग्राम में वो कहां पर होता है तो बेटा पी टाइप में पी टाइप में और एन टाइप में इंप्यूरिटी लेवल मैंने यहां पर दिखा के रखा है आप लोगों को डायग्राम में देखो जरा क्योंकि इसके पास एडिशनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए देखो ऊपर यहां पर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और इंप्यूरिटी लेवल विल बी क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन इजिली जंप सो देन इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप इनटू कहां पर बेटा कंडक्शन बैंड में यहां पर इंप्यूरिटी लेवल विल बी क्लोजर टू दी वैलेंस बैंड सो दैट यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डेड नहीं है यहां का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा यहां जाकर बॉन्ड बनाएगा और पीछे होल बनाता चला जाएगा समझ में आ रही है बात एवरी अरे यही तो हुआ था खाली जगह थी खाली जगह थी उसको भरने के लिए वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था ना इंप्यूरिटी लेवल पे तो यहां से क्या करेगा अगर ऐसा करना है तो ईजी जंपिंग के लिए इंप्यूरिटी लेवल शुड बी क्लोजर टू वैलेंस बैंड बेटा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा मसाला मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ये बात आप जानते हैं Intrinsic के केस में दोनों की वजह से करंट हमको मिलेगा पी टाइप में मेजोरिटी करंट हमको होल्स की वजह से मिलेगा एन टाइप में मेजोरिटी करंट हम लोगों को मिलेगा यहां पर किसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ठीक है क्लियर है कि नहीं सो ड्यू टू इंप्यूरिटी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अप्रोक्सिमेटली टेन रेस टू दी पावर फाइव आपका बढ़ रहा है एक लाख गुना आपका इंप्यूरिटी बढ़ रहा है इसीलिए सेमी कंडक्टर केस में कंडक्टिविटी अगर इंप्योर सेमी कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की इंप्यूरिटी को कंबाइन कर दीजिए आप और आपको यहां पर वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी ठीक है बच्चों यहां तक सबको समझ में आया एक एक बालक और बालिकाएं कमॉन एवरी वन डन अरे वाह अरे वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो यहां तक अगर सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो सवालों की दुनिया में चले सवालों की दुनिया में चले क्या कहते हो सवालों की दुनिया में चले आ जाओ बेटा सवालों की दुनिया में चलते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने है चूज दी ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बेटा क्या ढूंढना है अपने को अपने को ढूंढना है फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ये तो बात सही है सब्सटेंस विद एनर्जी गैप इन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना लिखा है यहां पर

कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच बेटा ठीक है सारे के सारे कार्बन फैमिली से बिलोंग करते बेटा काशी गए संत प्रभु काशी गए संत प्रभु पढ़ते हो ना ऐसा काशी गए संत प्रभु बेटा ठीक है काशी गए संत प्रभु ठीक है काशी गए संत प्रभु इन सबके पास कितने होते बेटा सबके पास पास चारों के चारों के पास है, के है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास लास्ट वाले ऑर्बिट में क्या होंगे बेटा चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एनर्जी बैंड गैप्स रिप्रेजेंटेड एंड ईजी जीई रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू इन देर केसेस बेटा ठीक है ध्यान से सुनिएगा मैं आपको यहां पर कार्बन और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं कार्बन कार्बन के पास होते बेटा छह इलेक्ट्रॉन टोटल है ना यहां पर सिलिकॉन के पास होते बेटा कितने चौदह है ना सिलिकॉन के पास कितने होते बेटा चौदह अरे जल्दी बोलो यार या ना होते ना चौदह आया था ना 2022 में इस तरह के क्वेश्चन आए थे हाँ छोटी तो सी बात यहां पर दो इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे और बाकी के दो इलेक्ट्रॉन शेल में होंगे और बाकी के ना, बाकी के चार यहां पर होंगे देखो होने कितने चाहिए थे यहां पर होने चाहिए एक दो तीन चार इसलिए चार वैलेंस हो गए ठीक है बेटा बनाया मैंने ये कार्बन का मैंने आपको यहां पर शेल डायग्राम बनाकर दिखाया अब मैं बनाता हूं बेटा सिलिकॉन का सेल डायग्राम सिलिकॉन का सेल डायग्राम आप बनाओगे आपको समझ में आएगी बात कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है प्रभु बात तो आपकी बिल्कुल सही है यहां पर आपका न्यूक्लियस हो गया यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर आपके पास ठीक है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहां पर आपके पास ठीक है इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से देखने को हमें मिलेंगे ठीक है बच्चों समझ में आ रही बात अब कुल मिलाकर कहानी यूं है कि यहां पर केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है उसके बाद यहां वाले में आठ हो जाएंगे बेटा यहां पर कितने हो जाएंगे सर आठ हो जाएंगे एवरी तो आठ और दो हो गए दस आठ और दो हो गए दस लेकिन अगले वाले में अगले वाले में केवल बचे के केवल चार अगले वाले में केवल बचे बेटा चार बोलो यस और एवरी वन ठीक है ठीक है तो अब जरा दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस बेटा लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखोगे इट इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहां पर एक दो तीन शेल बन रही है जर्मेनियम के केस में चार बनेंगी। और लेड के केस में पांच बनेंगी समझ में आ रही है ना बात सब लोगों को तो यहां पर क्या हो रहा है जितने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा और आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसे बाहर निकालने में हमें उतना ही कम एफर्ट लगाना पड़ेगा इज दैट क्लियर कारण समझ में आ रहा है बेटा तो यहां पर इन केस ऑफ कार्बन यू ऑल कैन सी दैट आउटर इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोजर टू न्यूक्लियस तो वो हाईली बॉन्डेड है हाईली बॉन्डेड है ज्यादा एनर्जी लगेगी उसे निकालकर कंडक्शन बैंड में डालने में एज कंपेयर टू सिलिकॉन और जर्मेनियम में और कम लगेगी बेटा इसीलिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटीरियल जबकि कार्बन आपका इंसुलेटर होता है क्योंकि यहां के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है हाईली बॉन्डेड है बिकॉज ऑफ क्लोजेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द किसके साथ न्यूक्लियस के साथ समझ आया सभी लोगों को एवरी है ना तो बच्चों यहां पर क्या चीज आ रही है यहां पर आ रही है आपके बात सारी समझ में आ गई तो आप यहां पर बोलोगे कि सर फोर बिडन एनर्जी गैप जो होता है किसका फोर बिडन एनर्जी गैप ऑफ कार्बन इज हायर देन फोर बिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलीकॉन ठीक है तो मैं आपको रिलेशन भी बता देता हूं बेटा फोर बिडन एनर्जी गेप ऑफ कार्बन इज़ हायर देन फोर बिडन एनर्जी गेप ऑफ सिलिकॉन एंड दिस इज हायर देन फोर बिडन एनर्जी गेप ऑफ जर्मेनियम ऐसा सीन होता है यह यहां पर कारण होता है बेटा ठीक है एंड सिमिलर सवाल एक और आपके यहां पर आपको देखने में आया है ध्यान से देखिएगा बेटा सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड बेटा फील्डक्टर की बात कर रहा है रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का मतलब है बेटा वी आर नॉट एट तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया बात बिल्कुल सही है वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे इसलिए वैलेंस बैंड भरा हुआ होगा पार्शियली कंडक्शन बैंड भरा होगा पार्शियली ठीक है बच्चो यस और नो एवरी वन you बहुत बढ़िया आ जाइए यहां पर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डॉपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इज डन टू न्यूट्रलाइज चार्ज करियर टू इंक्रीज द देशन ऑफ मेजोरिटी टू मेक इट न्यूट्रल बिफोर डिस्पोजल टू टू कैरी आउट फर्दर प्यूरिफिकेशन हम बोलते हैं इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजोरिटी चार्ज करियर इसीलिए तो इंप्यूरिटी मिक्स की जाती है इसीलिए तो डोपिंग की जाती है जिस इंप्योरिटी को मिलाते हैं उसे डोपिंग पेंट कहते हैं जिस प्रोसेस से मिलाते हैं उसे डोपिंग कहते हैं ठीक है बच्चों और जो सेमीकंडक्टर नया मिलता है उसे डोब्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों उसे डोब्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं आइए जरा स्वागत है आप लोगों का एक और बेहतरीन सवाल में मई भैया आप बीच में आ गए मई भैया आप बीच में आ गए या कोई बात नहीं हम बीच में आ गए हट भी जाएंगे वो बोल रहा है सिलिकॉन एंड यहां पर कार्बन बोथ हैव द सेम लेटेस्ट स्ट्रक्चर

होता है कहानी तुम्हें ना तुम्हें चित्र से समझ में आ जाएगा मान लो यहां पर है हमारा ऑर्बिट ठीक है ऑर्बिट हमारा यहां पर है और ऑर्बिट हमारा यहाँ पर है ठीक है ऑर्बिट की दुनिया में स्वागत तुम्हारा है जी ऑर्बिट की दुनिया में स्वागत तुम्हारा ये न्यूक्लियस है बेटा अब अगर मैं यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा बेटा अगर इसको e1 कहोगे इसको e2 कहोगे इसको e3 कहोगे अरे भाई यहाँ पर एक फोर्स लगता है यहाँ पर क्या लगता है एक फोर्स लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सर के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर तो आर जितना कम होगा एफ ई उतना तुम न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतना कम अट्रैक्शन होगा उतना ही इजी उसे बाहर निकाला जा सकता है इसीलिए हम उसे लूजली बाउंड कहते हैं ये भी बात सबको चमकी बहुत बढ़िया आइए एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बात करते हैं यहां पर सवालों पर एन टाइप ऑफ एंड पी टाइप ऑफ सिलिकॉन कैन बी बाय ऑप्टेन प्योर सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन विथ सोडियम एंड मैग्नीशियम रेस्पेक्टिवली एंड रेस्पेक्टिवली ये हो गया बेटा एन टाइप के लिए फॉस्फरस मिला दो पी टाइप के लिए बोरन मिला दो ठीक है बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई सभी लोगों को चलो आ जाओ नाउ

चमक रहा है नाउ डोपिंग बाई इंडियम इंक्रीजेस क्या लिखा है यहां पर डोपिंग बाई इंडियम इंक्रीजिस नंबर ऑफ होल्स टू दिस बेटा नंबर ऑफ फोल्स बढ़ गए इंडियम इंडियम मतलब यहां पर आपने डॉप किया है कौन सा

क्लियर है कि नहीं बेटा बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया तो चलो आ जाओ यहां पर हम बात करते हैं सर कैसे कैलकुलेशन की जाती है तो माय डियर फ्रेंड्स आपको बस इतना देखना होगा आपको बस इतना देखना होगा कि भाई यहां पर देखो ध्यान से एक बिना कैलकुलेशन करे अगर सवाल को सॉल्व करना है। यहां पर है टेन रेस्टू पावर नाइन यहां पर है टेन रेस्ट टू पावर टेन क्या इस टेन रेस्ट टू पावर टेन को आप थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हो कि सर ये आपका पच्चीस इंटो में टेन रेस्ट टू पावर नाइन हो गया पच्चीस इंटू में टेन पावर नाइन हो गया बोलो है ना तो भाई यहां यहां पर यहाँ पर कम है यहां पर बहुत ज्यादा है अब अगर ये पी टाइप है तो इलेक्ट्रॉन का तो कम होना चाहिए ना तो आंसर ए होगा लेकिन मैं कैलकुलेट भी करके बता देता हूं आंसर ए होगा लेकिन मैं कैलकुलेट भी करके बता देता हूं बेटा है ना भाई है ना मार्च अब मेरा काम है करना तो मैं कर देता हूं बेटा तो आप यहां पर क्या लिखोगे सर आप लिखोगे नंबर ऑफ electrons multiply by number of holes in case of

सभी लोगों को एवरी कैसे करना था समझ आया सभी लोगों को वेरी सिंपल फॉर्मूला एनी इंटू एन एच इज इक्वस टू एन आई स्क्वायर वेरी सिंपल लॉजिक बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बोल रहा है गलत कौन सा है फॉल्स पूछा है क्या पूछा है, बेटा फॉल्स पूछा है गलत कौन सा है प्योर सिलिकॉन डॉप्ड विथ ट्राइवेलेंट एंड इंप्यूरिटी गिवस अ पी टाइप सेमी कंडक्टर ये तो सही है मेजोरिटी करियर्स इन एन टाइप आर हो मेजोरिटी होल्स लिख दिया गलत लिख दिया माइनॉरिटी इन पी टाइप आर माइनोरिटी बात सही है क्योंकि मेजोरिटी पी टाइप में कौन होता है होल होता है रजिस्टेंस ऑफ इंटरेस्ट इन सेमी कंडक्टर डिक्रीज विद इनक्रीज इन टेम्परेचर बात तो सही है, है ना तभी तो वहां पर कंडक्शन ज्यादा होता है तो बात समझ में आ गई एप्लीकेशन

क्या करना चाहेंगे फ्यूज करके खत्म करना चाहेंगे इधर के होल्स इधर के इलेक्ट्रॉन को फ्यूज करके खत्म करना चाहेंगे होल्स बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे चलो 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 मिलके न्यूट्रलाइज होते हैं क्या चाहेंगे बेटा प्लस एंड माइनस क्या होता है कहानी यूं होती है कि जो प्लस होता है और जो माइनस होता है एक दूसरे को क्या करते बेटा अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करके ये मिलकर न्यूट्रलाइज होना चाहेंगे ये एक जगह पर आके क्या करना चाहेंगे बेटा दे वॉन्टेड टू बी न्यूट्रलाइज ये जीरो करना चाहेंगे अपने इफेक्ट को अपने इंपैक्ट को ठीक है तो अब होगा क्या अब होगा यूं बेटा कि जैसे यहां पर आपने देखा ये होल्स तो ये रश करेंगे टूवर्ड्स तो दी एन टाइप बेटा और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो रश करेंगे टूवर्ड्स पी टाइप लेकिन आप एक बात देखो जरा यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सॉलिड मटेरियल आपने लिया इसमें केवल इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं है यहाँ पर बहुत सारे ई मोबाइल आयन्स भी आप देख रहे हो जैसे ये माइनस आपको डब्बे में बंधे हैं ना बेटा ये सारे के सारे ई मोबाइल आयन्स हैं ये क्या है बेटा इनको हम बोलते हैं सर ई e मोबाइल ई मोबाइल ई मोबाइल का मतलब नहीं घूमने फिरने वाले ई e मोबाइल हैं बेटा कौन कौन से ये, और ये e हो जाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्यूज हो गए बेटा फ्यूज हो गए तो यहां पर बचा क्या नेट नेगेटिव चार्ज यहां पर बचा क्या बेटा नेट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है सभी लोगों को यहां पर बचा बेटा पॉजिटिव चार्ज अब तुम लोग एक बात जानते हो सर प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ सर प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ क्या होती है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको हम बोलेंगे ईबी ईबी इसलिए क्योंकि इसको हम बोलेंगे बेटा बैरियर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड सर ये बैरियर शब्द क्यों आ रहा है सर ये बैरियर शब्द क्यों आ रहा है क्योंकि बेटा अब अगर यहां के होल्स अब अगर यहां के होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर फ्यूज होना चाहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने देगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने देगी क्योंकि प्लस चार्जेस के ऊपर प्लस चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ वो फोर्स होगा बेटा क्यू इन टू में बी। बहुत बढ़िया और माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन में और वो भी होगा बेटा क्यू इन टू ई बी इलेक्ट्रॉन्स को उधर ही रख देगी और होल्स को इधर ही रख देगी बेटा ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी फर्दर वहां पर कोई भी डिफ्यूजन नहीं होगा और एक लेयर आपको मिलेगी जिसे हम डिप्लीशन लेयर कहेंगे क्यों डिप्लीशन क्योंकि यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन होल नहीं दिख रहा है डिप्लीशन का मतलब होता है समथिंग जिसकी कमी हो बेटा यहां पर किस चीज की कमी है इलेक्ट्रॉन और होल्स की कमी है इसीलिए इस लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं क्या यह बात सबको समझ में आ गई बेटा इसी को हम क्या कहते हैं बेटा डिप्लीशन

इंक्रीज करोगे डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगा क्योंकि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स फ्यूज करने लगेंगे और ज्यादा और ज्यादा मतलब यहां वाले भी होल्स और यहां वाले इलेक्ट्रॉन फ्यूज कर जाएंगे तो इतनी बड़ी डिप्लीशन लेयर हो जाएगी ठीक है बात समझ में आ रही है नाउ पी जंक्शन अनओमिक ड्यू टू द नॉन लीनियर रिलेशन बिटवीन आई एंड वी क्यू नॉन लीनियर रिलेशन है मैं आपको वो समझाता हूं बट अभी आप यहां पर समझिए जरा पोटेंशियल बैरियर और कॉन्टेक्ट पोटेंशियल वट डू यू मीन बाई पोटेंशियल बैरियर बेटा देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना यहां पर अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको मिल रहा है यहां पर नेट पॉजिटिव यहां पर आपको मिल रहा है बेटा नेट नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने है एंड वी हैव ऑल सीन दैट वी हैव ऑल सीन दैट एक रिलेशन हमें मालूम होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड ई e इज इक्वस टू क्या होता है सर माइनस ऑफ डेल वी डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा डेल आर होता है इन दफ

मेरा पोटेंशियल यहां पर डिक्रीज करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हैज टू डिक्रीज बेटा तो यहां पर जो पोटेंशियल होता है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल क्या कहते हैं बेटा बेरियर पोटेंशियल कहते हैं और ये सारे डायग्राम्स में यहां पर अभी आपको समझाता हूं ध्यान से सुनिए ठीक है अभी डिफ्यूजन क्या है ड्रिफ्ट क्या है सारी बातें और हम समझेंगे यहां पर तो एक लेयर आपको यहां पर दिख गई बेटा एक लेयर आपको यहां पर दिख गई जिसको डिप्लीशन लेयर के नाम से कहा जाता है अगर आप चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो डिप्लीशन लेयर के राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज करियर है इसलिए देखो यहाँ पर आपको चार्ज डेंसिटी ऐसे बताई गई है ठीक है बेटा फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज करियर्स यहाँ पर होते हैं इसलिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को नीचे बनाया गया है ठीक है बहुत बढ़िया उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस का यहाँ पर ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस का ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड कहां पर बेटा electric field is directed towards left बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड लेफ्ट और कोई भी वेक्टर अगर लेफ्ट में होता है उसे नेगेटिव लेते हैं कोई भी वेक्टर अगर लेफ्ट में डायरेक्टेड होता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं और नेगेटिव वेक्टर हमेशा कहां पर प्लॉट होगा एक्सिस के नीचे इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लॉट हो रही है ठीक ये बात समझ में आ गया अब बैरियर पोटेंशियल की बात करते बेटा किसकी बात करते बच्चों बैरियर पोटेंशियल की यहां पर पोटेंशियल हाई होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होने लगेगा यहां पर पोटेंशियल हाई होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा बेटा तो ये बैरियर पोटेंशियल का ग्राफ आपको यहां पर मिल जाता है इस तरह से ठीक है दो तरह की बाइसिंग होती है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अब मैं आपको यहां पर बताता हूं बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग इस पर क्वेश्चन आते आते हैं तो बिहेवियर ऑफ पीवन पी एन जंक्शन यहां पर बायस्ड कंडीशन बेटा डायोड कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज हम इसे कहते हैं बायस्ड डायोड बेटा अगर आपने एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो वो क्या बन जाता है वो बन जाता है आपका यहां पर बायस्ड कंडीशन में ठीक है दो तरह की बायसिंग हम कर सकते हैं एक बायसिंग आपके सामने लिखी हुई है बेटा पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में समझते हैं फिर हम समझेंगे बेटा किसके बारे में फिर हम समझेंगे यहां पर आपकी रिवर्स बायसिंग के बारे में तो फॉरवर्ड बायस में अगर आप देखोगे तो पी इज पॉजिटिव एंड एन इज नेगेटिव बेटा P को हम कनेक्ट करते किसके साथ पॉजिटिव के साथ मैंने यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है पी के साथ मैंने यहां पर नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है बेटा किसके साथ इसके अच्छा अब अगर ये प्लस है तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सभी लोग ध्यान से सुनना बेटा यहां पर क्या होगा सो सर देयर विल बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच शुड बी डायरेक्टेड विच शुड बी डायरेक्टेड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन राइट एवरी वन ये इस तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए हाँ कि ना बेटा बैटरी की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैंने ई e नोट से लिखा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था पर बेरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था जो एन से पी की तरफ था अब अगर आप देखोगे जैसे जैसे आप इस बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करोगे दोस्तों जैसे जैसे आप इस बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बेरियर फील्ड से ऑपोजिट है इस वजह से जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाओगे ये क्या करेगा इस बैरियर को कम करता चला जाएगा एंड द मोमेंट जब इसका फील्ड क्या करेगा बैरियर के बराबर आएगा यहां पर बैरियर आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बेटा अब फिर से इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे बोलो यस और नो क्योंकि यह बैरियर ही तो रोक रहा था अरे ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड तो रोक रहा था लेकिन आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दिया उन्हें डिफ्यूज होना अलाउ कर दिया बेटा उन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को जो पहले से तैयार बैठे थे डिफ्यूज होने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने और ज्यादा बेहतर कंडीशन बना दी जिससे वो डिफ्यूज कर सकते हैं Am I right? तो यहां पर एक चीज होता है विट ऑफ डिप्लीशन एक तो डिक्रीज होगा दूसरी बात है पोटेंशियल बैरियर यहां पर रिड्यूस होगा पीएन जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज अब यहां पर डिफ्यूज हो पाएंगे बेटा ठीक है फॉरवर्ड करंट फ्लो इन द सर्किट और ये सारा का सारा जो करंट होता है फॉरवर्ड करंट ये होगा आई डिफ्यूजन ये किसकी वजह से होगा बेटा यहां पर सारा का सारा करंट आप बोलोगे सर आई डिफ्यूजन इज नियरली टू नेट और इस कंडीशन में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर जो आई ड्रिफ्ट होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा सर व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट अरे बेटा क्या होता है ना क्या होता है आपने लेयर बनाई लेयर बनाई तो ये यह यहाँ पर जो जंक्शन लेयर है ना ये जो जंक्शन है इस जंक्शन में अगर गलती से एक इलेक्ट्रॉन और होल बन गया गलती से एक इलेक्ट्रॉन और होल बन गया तो ये क्या करेगी ये लेयर बोलेगी देखो बाबूजी जो इलेक्ट्रॉन बना उसको इधर धक्का दे दो यस और नो एवरीवन अरे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है जो इलेक्ट्रॉन है उसको इधर धक्का दो और जो तुम्हारा होल बना ना उसको इधर धक्का दो तो ये ड्रिफ्टेड हो रहे हैं जबरदस्ती ये इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रहा है एन की तरफ होल को ड्रिफ्ट कर रहा है बेटा पी की तरफ ठीक है इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करता है बेटा यहां पर क्या तो अगर मैंने यहाँ पर बनाया पी अगर मैंने यहाँ पर बनाया बेटा ऐसे यहाँ पर मैंने बनाया पी टाइप यहाँ पर मैंने बनाया बेटा एन टाइप यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन था ये इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ ठीक है यहाँ पर ये यह आपका इलेक्ट्रॉन था इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ ये आपका होल था बेटा ठीक है और ये होल आपका ड्रिफ्ट हुआ इस तरफ राइट होल कैसा है सर होल पॉजिटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर नेट करंट की अगर आप बात करोगे तो नेट करंट का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो होगा यहाँ पर इस तरफ एन से पी की तरफ और इसको हम आई ड्रिफ्ट कहते हैं आई क्या कहते हैं बेटा ड्रिफ्ट कहते हैं और ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी क्यों बहुत कम हो जाएगी क्योंकि यहां पर आपका ऑफ ऑफ लेयर 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 क्या हो रहा है आपका हो रहा रहा है है बेटा आपका डिक्रीज अगर का कम हो रहा है तो बहुत कम रीजन आपको मिलेगा टू ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इसलिए आई ड्रिफ्ट जीरो के बराबर हो जाता है बेटा लेकिन पी साइड में आपके पास क्या है होल्स है पी साइड में आपके पास होल्स हैं

होगा और ये होगा बिकॉज ऑफ किसकी वजह से बेटा बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन की वजह से नो ड्रिफ्ट इज दैट क्लियर एक एक छोटी छोटी बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा ठीक है नाउ ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट इज इन मिली एम्पियर मेनली फ्लो मेजोरिटी करंट फ्लो बेटा ठीक है फॉरवर्ड बाइसिंग का कर्व आपको ऐसे देखने को मिलेगा अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग का कैरेटरिस्टिक कर्व ऐसा ही क्यों दिख रहा है क्योंकि बेटा जब आप यहां पर वोल्टेज को इंक्रीज करोगे बैटरी वोल्टेज है सप्लाइड वोल्टेज है ठीक है तो इनिशियली जब ये जीरो था तो नो करंट क्योंकि बैरियर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है धीरे 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 आप इंक्रीज कर रहे हो जैसे जैसे बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होगा करंट बढ़ने लगेगा एंड द मोमेंट यू रीच्ड एट पॉइंट सेवन इन केस ऑफ सिलीकॉन बेटा ये किसका नेच ये किसका कर्व आपने बनाया है सिलीन वाला सेमी कंडक्टर उसके लिए बनाया है तो जैसे ही पॉइंट सेवन पर पहुंचोगे बैरियर पोटेंशियल आपका खत्म हो जाएगा और एकदम से करंट आपका ऐसे आपको मिलेगा ट्रिमंडियस अमाउंट ऑफ करंट और इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज बेटा ठीक है ये भी सबको चमक रहा है बहुत बढ़िया ठीक है तो यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग सबको समझ में आ गया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज वेरी लेस बेटा लगभग 100 ओम के आसपास ठीक है 10 ओम के ही आसपास होता है यहां पर 100 ओम बहुत ज्यादा लिखा हुआ है 100 so, ओम भी नहीं होता है ठीक है 100 ओम भी नहीं होता है इट इज

क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्यों याद रखना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं बेटा ठीक है यहां पर फॉरवर्ड करंट इक्वेशन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर बेटा इसकी जरूरत नहीं है इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अब आपको थोड़ी सी चीजें और बता देते हैं जो बताते हैं किसके बारे में बेटा यहां पर रिवर्स बाइसिंग के केस में जब आपने पी को कनेक्ट करना है नेगेटिव से और एन को कनेक्ट करना है बेटा पॉजिटिव से जब आप पी को कनेक्ट करते हो नेगेटिव से और एन को कनेक्ट करते हो पॉजिटिव से तो जो बाइसिंग बनती है उसे हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग बेटा उस कंडीशन

बढ़ने से इंस्टिड इस रीजन के बढ़ने से होगा क्या बेटा इस रीजन के बढ़ने से डिप्लीशन लेयर के रीजन के बढ़ने से यहां पर आई ड्रिफ्ट विल बी डोमिनेटिंग ओवर आई डिफ्यूज बेटा यहां पर क्या होगा आई ड्रिफ्ट जो है सारा का सारा करंट हो जाएगा किसकी वजह से बेटा आई ड्रिफ्ट की वजह से इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आई नेट और आप यहां पर लिखेंगे सर आई डिफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आई ड्रिफ्ट मतलब रिवर्स करंट आई ड्रिफ्ट मतलब क्या लिखेंगे बेटा अपन इसको रिवर्स करंट लिखेंगे एन से पी की तरफ तो यहां पर आप देखोगे बेटा यहां पर आप देखोगे पोटेंशियल बेरियर इंक्रीज हो रहा है ऑफ डिप्लीशन इंक्रीज हो रहा है पीएन जंक्शन प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस बेटा आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट होता है ये वेरी स्मॉल करंट फ्लो होगा ऑर्डर ऑफ करंट यहां पर देखोगे माइक्रो एम्पियर में और नैनो एम्पियर में होगा इन केस ऑफ सिलिकॉन बेटा मेनली माइनॉरिटी करंट फ्लोज फिर आप यहां पर बोलोगे रिवर्स बायस कंडीशन ये इस तरह से बनता है कर्व बिल्कुल जीरो करंट जीरो करंट जीरो करंट जीरो करंट जीरो करंट, करंट यहां पर आके ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाता है बेटा यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं सर दिस इज योर ब्रेक डाउन वोल्टेज दो तरह के ब्रेकडाउन अपने को देखने को मिलेंगे बेटा एक होता है आपका

ठीक है तो यहां तक सारी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुकी है कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है अब आपको एक छोटी सी बात और बता देते हैं बच्चों कि यहां पर जो पीएन जंक्शन होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दिस ठीक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक like दिस यहां पर स्टॉपर लगा होता है यहां पर स्टॉपर लगा होता है बेटा इस तरफ होता है आपका पी यहां पर होता है बेटा आपका एन

और थोड़ा सा इसको निखारते हैं रुको ज़रा और थोड़ा सा इसको निखारते हैं ऐसे काम नहीं बनेगा और थोड़ा सा इसको निखारते हैं देखो यहाँ पर इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग तो रहने दो चलो ठीक लिखा आपने लेकिन यहाँ पर आप ऐसे लिखो यहाँ पर आप ऐसे लिखो कि सर ये प्लस माइनस करने की बजाय प्लस माइनस करने की बजाय हम ऐसा करेंगे बेटा ठीक है मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल वी है यहाँ पर पोटेंशियल आपका वी है तो फॉरवर्ड बाइसिंग कब होगा जब वी बड़ा होगा वी से वेरी गुड और रिवर्स बाइसिंग कब होगा बेटा जब यहाँ का वी है जब यहाँ का वी है जब तुम्हारा वी बड़ा होगा से तब ये ये होगा होगा ऐसे समझो जब जब पर पर है 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 तो तो वो रिवर्स है जब पी है, तो वो बेटा और तुम्हारा क्या ये कहानी सबको सबको समझ में आ रही है? बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, सब, सब कुछ क्लियर हो गया बच्चों यहां तक बात समझ में आ गया ठीक है तो चलो आओ सवाल करने के लिए तुम लोग तैयार हो सवाल करने के लिए तुम लोग तैयार हो तो जल्दी से सवालों की दुनिया में आते हैं ठीक है आओ भाई आओ भाई यहां पे आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड पी एन जंक्शन डिप्लीकेशन डिप्लेशन जोन फॉरवर्ड बेटा फॉरवर्ड डिप्लेशन नहीं करता है कम करता है इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर नहीं इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन द एन साइड नहीं डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन जोन हा बात डी वाली सही है डिप्लेशन लेयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो है, जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिक्रीज करता है यस yes, बात तो सही है सर आगे आ जाओ व्हेन द फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड इन दी पीएन जंक्शन व्हेन इट इज रेज द पोटेंशियल बैरियर, रिड्यूस द मेजॉरिटी करियर करंट टू जीरो ठीक है लोअर्स द पोटेंशियल बेरियर यह क्या करता है बेटा लोअर द पोटेंशियल बेरियर फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल बैरियर को लोवर करता है डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा ड्रिफ्ट करंट के कंपैरिजन में ये बाइसिंग होनी चाहिए कैसी बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होता है डिफ्यूजन के कंपेरिजन में किसमें रिवर्स बाइसिंग में रिवर्स में ड्रिफ्ट ज्यादा और फॉरवर्ड में डिफ्यूजन ज्यादा यह बात आपको याद रखनी होगी बेटा ठीक है चलिए आइए अगला अगला सवाल है नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन देन देयर वुड बी कोई आपने एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है तो भाई एन और पी के बीच में एक डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट करेगी और एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होनी चाहिए सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन गलत हो गया एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम एन टाइप टू पी साइड अक्रॉस द जंक्शन यस बेटा एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां पर एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं समझ रहा है यस yes.

कभी भूला कभी याद किया कभी भूला कभी याद किया है ना ऐसा थोड़ा सा डायग्राम कुछ उस तरह से बना हुआ है है ना थोड़ा सा परेशान मत होना कर्व कुछ इस तरह से ठीक है बेटा समझ आया ये ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक है विच इज नॉन लीनियर कर्व नॉन ओमिक है बेटा ठीक है चलो खेल कोई बात नहीं आगे आ जाते हैं सर यहां पर हम देखते हैं सर इन सभी सिचुएशन में इन सभी सिचुएशन में यहां पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस डायोड बेटा फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा होगा माइनस चार वोल्ट और माइनस तीन वोल्ट बेटा नहीं सर माइनस दो वोल्ट प्लस दो वोल्ट नहीं तीन वोल्ट पांच वोल्ट नहीं जीरो वोल्ट माइनस दो वोल्ट हां दो हजार छ में आया फिर दो हजार सत्रह में आया 2006 में आया फिर 2017 में आया बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग वाला फंडा पता नहीं क्यों ठीक है अब यहां पर आ जाओ द गिवन सर्किट हैज टू डायोड्स कनेक्टेड इन द फिगर करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर वन विल बी रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा ये वाला डायोड तुम्हारा रिवर्स बाइसिंग में है ये वाला डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड में है सारा का सारा का करंट इधर आएगा यहां से जाएगा और ऐसे आ जाएगा बेटा बहुत बढ़िया तो हम बोलेंगे कि सर एक तो टू ओम ये हो गया दूसरा टू ओम ये हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा टोटल करंट की अगर हम बात करेंगे बेटा टोटल रजिस्टेंस हो जाएगा यहां पर फोर ओम और करंट की अगर हम बात करेंगे बेटा तो हो जाएगा टेन डिवाइडेड बाई फोर आंसर आ जाएगा ढाई एमपियर बेटा आंसर कितना आ जाएगा ढाई एमपियर इज दैट क्लियर बच्चों बहुत बढ़िया यस 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 एवरी वन जी हां जी, जल्दी से नाउ इफ पी एन जंक्शन स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ टेन वोल्ट इज अप्लाइड एस शॉन बेटा ठीक है देखो जरा अगर अगर बेटा यहां पर आप देखोगे इसको हम बोल देते कि सर ये जीरो है इनिशियली अगर यहां पर मान लीजिए माइनस फाइव है और यहां पर जीरो है ठीक है ये कैसा होगा ये रिवर्स बायस्ड होगा लेकिन जब यहां पर आपने देखा कि सर यहां पर फाइव है यहां पर जीरो है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये डायोड वर्किंग एज अ फॉरवर्ड एंड समाइम्स वर्किंग एज कैसा बेटा यहां पर रिवर्स तो यहां करेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी फाइव वोल्ट बेटा ठीक है क्या मिल जाएगी फाइव वोल्ट इज दैट क्लियर अरे हाँ बहुत आसान है ये और मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर इस चैप्टर में मैं जब जब पढ़ाता हूँ ईयर क्वेश्चन कराता हूँ बेटा क्योंकि इसी पर बेस्ड सारे सवाल आते हैं ठीक है हाँ कुछ नए सवाल भी ऑफ कोर्स होंगे जैसे एनसीआरटी एग्जाम्पलर हमने कहा ना कि निश्चय में इस बार मैंने नया काम किया हुआ हर चैप्टर में एनसीआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम जरूर लेकर आते हैं तो बच्चों इन द गिवन फिगर बिलो अज्यूमिंग द डायोड्स टू बी आइडियल अगर यहां पर माइनस टेन है और यहां पर अगर आपने ग्राउंडिंग करी मतलब जीरो है बेटा जीरो इज बिगर देन माइनस जीरो इज बड़ा देन माइनस टेन तो डी टू तुम्हारा फॉरवर्ड बाइसिंग होना चाहिए और डी वन तुम्हारा रिवर्स बाइसिंग होना चाहिए सवाल पढ़ते हैं डी वन फॉरवर्ड बास डे डी टू रिवर्स बायर्स डे गलत हो गया ठीक है D2 टू इज फॉरवर्ड बायर्स एंड डी वन इज रिवर्स एंड एनस नो करंट फ्लो फ्रॉम B टू A एंड वाइसे वर्सा बेटा हाँ बेटा बेटा इसके रिवर्स बाइसिंग हो जाने की वजह से इसके रिवर्स बाइसिंग हो जाने की वजह से करंट तो फ्लो करेगा नहीं तो बात यहाँ पर ऑप्शन बी की सही हो जा रही है बात ऑप्शन बी वाली यहाँ पर एकदम सही हो जा रही है बोलिए यस और नो एवरी सबको चमक गया सबको चमक गया यस yes भैया आगे आ जाओ जेनर डायोड क्या चीज़ होती है जेनर डायोड क्या चीज होती है तो अभी हमने अभी हमने देखा था कि सर जब हम रिवर्स बाइसिंग में जब हम रिवर्स बाइसिंग में क्या कर रहे होते हैं बेटा ऑपरेट कर रहे होते हैं डायोड को तो आप जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव करोगे किसको को एन को और बहुत ज्यादा कम करोगे किसको को पी को तो डायोड आपका हो जाता है किसमें रिवर्स बाइसिंग में और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा इस रिवर्स बाइसिंग में ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी अरे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती चली जाएगी लेकिन इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो इसका बहुत ज्यादा बढ़ना भी तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा या कुछ ना कुछ अलग काम कर देगा नुकसान ना कह के हम बोलेंगे कुछ अलग करेगा क्या अलग करेगा वहां पर दो चीजें हमें देखने को मिलती है बेटा एक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा जिसे ज़ेनर ब्रेकडाउन कहते हैं तो वेयर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ डिप्लीशन लेयर इट्स सेल्फ ब्रेक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज बेटा आपने बहुत ज्यादा रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी उससे जो कोवेलेंट बॉन्ड थे कौन से सिलिकॉन सिलिकॉन के अंदर बेटा कोवेलेंट बॉन्ड डायग्राम भूल गए याद है डायग्राम भूल गए कि याद है बेटा डायग्राम भूल गए कि याद है थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ये रहा तो क्या कर रहे हो रिवर्स बाइसिंग बहुत ज्यादा हाई रिवर्स बाइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो कोवेलेंट बोन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना ये टूटने लगेंगे ये टूट रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड्स किसकी वजह से बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर अब टूट रहे हैं किसकी वजह से बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपके पास मिलने लगे बेटा बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बाइसिंग और यहां पर ब्रेकडाउन हो जाता है आपको दिस फिन प्रीडोमिनेंट एट लोअर वोल्टेज आफ्टर ब्रेकडाउन बेटा ठीक है प्री डोमिनेंट लोअर वोल्टेज आफ्टर ब्रेकडाउन पी एन जंक्शन हाई डोपिंग होना चाहिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर जेनर ब्रेकडाउन कब होता है जब आपकी डोपिंग कैसी होती, होती, होती है बेटा हाई डोपिंग होनी चाहिए डोपिंग कैसी होती बेटा हाई डोपिंग होती है ठीक है पीएन जंक्शन हैविंग थीन डिप्लीशन ले थीन डिप्लीशन लेयर होगा पीएन जंक्शन कैसा होगा बेटा पीएन जंक्शन का थीन डिप्लीशन लेयर होगा हियर पीएन जंक्शन नॉट डैमेज परमानेंटली यहां पर पीएन जंक्शन परमानेंटली डैमेज नहीं होता है एंड दिस वर्क्स एज कैसा बेटा यहां पर ये यह वर्क करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस जिसे हम स्टेबिलाईजर कहते हैं क्या कहते हैं बेटा स्टेबिलाईजर कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस की तरह यूज करता वर्क करता है क्यों क्योंकि ब्रेकडाउन पर पहुंचकर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है बेटा ब्रेकडाउन पर पहुंचकर वोल्टेज क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है ठीक माय डियर फ्रेंड्स एक और ब्रेकडाउन होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन कब होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं हियर कोवेलेंट ऑफ लेयर्स आर ब्रोकन बाय द कोलिजन ऑफ माइनॉरिटीज व्हिच एक्वायर्स हाई काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड यह डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कोलिजन ऑफ किसकी वजह से बेटा कोलिजन बाई दाइनॉरिटीज विच एक्वायर्स हाई एनर्जी फ्रॉम दी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज यानी कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हो गई तो ये कहां पर होगा यहां पर डोपिंग लो होती है बेटा यहां पर डोपिंग लो होती है एट हाई वोल्टेज आफ्टर ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन के बाद आपको वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू तो एवेलान ब्रेकडाउन बेटा ठीक है यहां पर ये यह क्या करता है परमानेंटली डैमेज हो जाता है ड्यू टू हिटिंग इफेक्ट ड्यू टू हिटिंग इफेक्ट बेटा एंड ड्यू टू एब्रपली इंक्रीमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स ड्यूरिंग द रिपिटिव कोलिजन यहां पर आपका डायोड डैमेज हो जाता है एवेलानसे में इसीलिए एवेलान से ज्यादातर यूज में नहीं आता है जेनर यूज में आता है क्योंकि आपका मटेरियल एज इट इज मेंटेन रह जाएगा आपका जो है सेमीकंडक्टर कंडक्टर यहाँ पर गड़बड़ नहीं करेगा ठीक है तो ये, ये दोनों चीज़ें आपके पास सामने समझ में आ गई तो मैं आपको लेकर चलता हूँ जेनर डायोड की तरफ आपको लेकर चलते हैं जेनर डायोड की तरफ जल्दी से आ जाइए कहाँ गया कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई Zener is used for stabilization. Zener is used for. भैया जेनर डायोड के अक्रोस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है तो अगर मैं इसको एज एन स्टेबिलाईर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस यूज करूंगा तो मेरे घर में लगा हुआ एसी सुरक्षित रहेगा जब भी अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा स्टेबिलाईजर बोलेगा भाई मैंने तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट मेंटेन रखना है तो ये स्टेबिलाईजर की तरह काम करता है बहुत बढ़िया यहां पर द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स

हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आगे आ जाओ जरा अ जेनल डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू पंद्रह वोल्ट बेटा यानी कि यहाँ पर पंद्रह वोल्ट है यहाँ पर अगर पंद्रह वोल्ट है तो यहाँ पर बचा हुआ तुम्हारे पास पाँच वोल्ट होना चाहिए बहुत बढ़िया हाँ जी आगे बात करते हैं द करंट थ्रू द डायोड इज डायोड में करंट कितना होगा भाई अगर यहाँ पर यहाँ पर अगर पंद्रह है तो इस वन किलो के अक्रॉस भी कितना होगा बेटा पंद्रह वोल्ट ही होगा बहुत बढ़िया अब अगर यहां पर वन किलो ओम में आने वाले करंट को कैलकुलेट करना है तो आप बोलोगे कि यार यहां पर आने वाले करंट को आई वन बोल दो आई वन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लिखेंगे सर पंद्रह डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बेटा हजार तो सीधा सीधा इसको लिखेंगे सर पंद्रह मिली एम्पियर क्या लिखेंगे बच्चों पंद्रह मिली एम्पियर एवरी पहली चीज हो गई बहुत बढ़िया दूसरी कहानी यहां पर देखो जरा दूसरी वोल्टेज तुम्हारा पांच वोल्ट है। ये जो इसमें आने वाले करंट को आई बोल दो यहां तो पर आप लिखोगे आई इज इक्व कितना वोल्टेज है बेटा पांच वोल्ट का है कितना यहां पर करंट आपके पास आप बोलोगे कितना ओम है बेटा ढाई ओम है एक काम करते हैं छोटा सा सर अगर मैं हजार से करूं मल्टीप्लाई और अगर मैं हजार से करूं डिवाइड तो ये क्या करेगा सर ये इसको बनाएगा 25 400 ये बनाएगा 5 20 आंसर आ रहा बेटा 20 मिली एंपियर अब हम बोलेंगे सर किसी जंक्शन पे आने वाला अगर 20 है और उसमें से 15 अगर इधर जा रहा है तो इसके पास 5 मिली एंपियर आना चाहिए था बोलेंगे आंसर टिक करेंगे ऑप्शन ए यस और नो एवरीवन चमक गया 2011 का सवाल है 2011 का सवाल है सिंपल सिंपल चीजों पर काम करना है आगे बढ़ते हैं सर पीएन जंक्शन एज एन रेक्टिफायर बेटा पीएन जंक्शन एज एन रेक्टिफायर क्या होता है रेक्टिफायर होता है एक डिवाइस रेक्टिफायर क्या होता है बेटा रेक्टिफायर इज अ डिवाइस रेक्टिफायर क्या होता है बेटा एक डिवाइस होता है जो क्या करता है जो ए को कन्वर्ट करता है डी में लेकिन क्या ये डी सी होता है क्या ये डी सी होता है बेटा डीसी कांस्टेंट होता है जवाब होगा नहीं ये डीसी कैसा होता है ये डीसी पल्सेटिंग होता है ये डीसी कैसा होता है बेटा पल्सेटिंग डीसी होता है कभी कम कभी ज्यादा कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम ऐसा होता है ये डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन पीएन जंक्शन का यूज वो कैसे बनता है रेक्टिफायर की तरह बनता है कैसे आ जाओ बेटा आ जाओ जरा फिर से हमारे पास यहां पर थोड़ा समय की मारा मारी है ना बस उस समय को बचाने के लिए आज हम ऐसे सारे काम कर रहे हैं है ना तो देखो बेटा ऐसे यहां पर क्या होता है ये तुम्हारे पास इनपुट सिग्नल है इनपुट सिग्नल में प्लस भी है माइनस भी है प्लस भी है माइनस भी है प्लस भी है माइनस भी है, है। यहां पर जैसे आपने इनपुट सिग्नल दिया अब आपने क्या करके रखा है डायोड लगा के रखा हुआ है ये डायोड हम जानते हैं कि सर जब इस डायोड का ये पी वाला हिस्सा और ये एन वाला हिस्सा स्पेसिफिक सिस्टम में अगर कनेक्टेड हो तो कभी तो ये फॉरवर्ड होगा और कभी तो ये रिवर्स होगा बोलो यस और नो कभी ये फॉरवर्ड होगा और कभी ये रिवर्स होगा तो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है इसलिए इसलिए बेटा हमें यहां पर क्या मिलता है हमें यहां पर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलता है लेकिन जब ये इनपुट पहुंचता है कहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल केस में डायोड कैसा हो जाता है बेटा ओपन हो जाता है ये डायोड क्या करता है रिवर्स बाईसी में काम करता है यहां करंट ही नहीं जाएगा जब इसमें कोई करंट नहीं होगा तो वोल्टेज कहां से लाओगे तो यहां पर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलता है तो यहां पर आपको वोल्टेज मिला यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला। सारे के सारे के पॉजिटिव साइकल्स में वोल्टेज मिलेगा लेकिन नेगेटिव हाफ साइकल्स में विल बी नो वोल्टेज बेटा यहां पर करंट नेगेटिव नहीं हो रहा है इसको हम पल्सेटिंग डीसी करंट कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों पल्सेटिंग डीसी करंट कहते हैं है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर नाम इसका क्यों है हाफ वेव रेक्टिफायर क्योंकि इसमें इस हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही मिल रहा है क्या बेटा आउटपुट नेगेटिव हाफ में नहीं मिल रहा है दो अरेंजमेंट होते बेटा यहां पर सेंटर टैप होता है और एक होता है बी ब्रिज टाइप बेटा ठीक है सेंटर टैप इसको सेंटर टैप बोलते बेटा और एक होता है डायोड वन फॉरवर्ड होगा और D2 रिवर्स होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 फॉरवर्ड होगा डायोड D1 नेगेटिव होगा आप देख सकते हैं प्लस माइनस के साइन यहां पर बने हुए हैं बेटा ये प्लस माइनस के साइन यहां पर बने हुए हैं तो प्लस में D1 की वजह से आउटपुट आएगा बेटा और माइनस में D2 की वजह से आउटपुट आ जाएगा तो यहां पर भी आप देख रहे हैं पल्सेटिंग डीसी है यही रीजन है बेटा कि यहां पर अगर आप देखोगे तो रिपल्स की फ्रीक्वेंसी वही है या

तो दिस विल बी द टाइम पीरियड बेटा यहां से यहां तक का और वन बाय टाइम पीरियड यानी कि इस ये आपने एक साइकिल कंप्लीट किया तो यहां पर भी तो आप देखोगे ना सर एक ही तो साइकिल कंप्लीट हुआ ये दूसरा साइकिल यहां से शुरू हुआ फिर यहां से तीसरा कंप्लीट हुआ लेकिन यहां देखो जब तक इस इनपुट ने एक साइकिल कंप्लीट किया ये महाराज वन और फिर ये टू कंप्लीट कर चुके हैं इसलिए इसलिए बेटा अगर आप देखते हो कि इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में तो रिपल फैक्ट रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी बेटा ये बात ध्यान रखिएगा कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर आप देखोगे सर तो ये फॉर्मूला जैसे एफिशिएंसी का 0.406 डिवाइडेड बाय 1 बाय आर एफ और आर एल यहाँ पर आर एफ क्या होता है आर एफ होता है बेटा यहाँ पर आपका रजिस्टेंस इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाई सिंह और ये जो होता है बेटा आपका आर एल इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं बेटा यहां पर आपका लोड रजिस्टेंस ठीक है अगर आर एफ और आर एल बराबर होता है तो एफिशियंसी ट्वेंटी पॉइंट थ्री हो जाती है यहां पर अगर आप देखोगे एफिशियंसी जस्ट डबल है बेटा इस नंबर में बस आपको क्या करना मल्टीप्लाई बाय टू कर देना है जैसे ही आप यहां पर देखोगे इस नंबर में मल्टीप्लाई बाय टू करोगे ये वाला नंबर आ जाएगा और वैल्यूज आपके सामने ठीक है बेटा यस और नो एवरी वन इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मैंने बना के रखी हुई है इसको बस ध्यान रखना नंबर ऑफ डायोड यूज होते हैं हाफ वेव में एक सेंटर टेप में दो और ब्रिज टाइप में चार बेटा ठीक है ट्रांसफॉर्मर नेसेसरी जरूरत नहीं है सेंटर टेप में लगता है ब्रिज में जरूरत नहीं है बस इस पर भी आ जाएगा ट्रांसफॉर्मर हाफ वेव में नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड ब्रिज सेंटर टेप में हंड्रेड परसेंट रिक्वायर्ड ब्रिज टाइप में जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मर की पिक सेकेंडरी वोल्टेज बेटा Vm, वी एम यहां पर पिक इनवर्स वोल्टेज बेटा तो यहां पर आपके पास पिक इनवर्स वोल्टेज के रिलेशन इस तरह से आ जाते हैं ठीक है नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहां पर आर एम एस कितना होता है हाफ वेव केस में फुल वेव केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि करंट की वैल्यूज कैसे यहां पर इसने दिए हुए हैं करंट की वैल्यूज यहां पर इसने कैसे क्या हो गया ठीक है एवरीवन

एवरी अरे बोलो जल्दी से ट्रांजिस्टर पर जाने से पहले यहां तक समझे कि नहीं समझे ठीक hmm? hmm. है बच्चों ठीक है ठीक है ठीक है कि नहीं वेरी गुड वेरी गुड आ जाओ जरा इधर आ जाओ जरा इधर सवालों पर आते हैं क्या बोला गया है सवालों पर आते हैं, द पिक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर पेड विद द साइनोसडल सिग्नल विदाउट फिल्टर इज टेन वोल्ट बेटा द डीसी कॉम्पोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेजेस अभी क्या पढ़ाया था अभी पढ़ाया था कि चाहे आई डी सी लिखा हो चाहे वी डी सी लिखा हो बेटा ये भी होता है हाफ वेव के केस में आई नॉट बाई टू और ये होता है बेटा यहाँ पर कितना सॉरी आई नोट बाई आई नॉट बाई पाई और ये होगा आपका वी नॉट डिवाइडेड बाई पाई यहाँ पर वी नॉट का वैल्यू कितना है सर टेन है और टेन डिवाइडेड बाई पाई तो करेक्ट आंसर वुड भी ऑप्शन बी ठीक है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में यहां पर हो जाता है बेटा i नॉट डिवाइडेड बाय पाई i नॉट डिवाइडेड बाय पाई या फिर v नॉट डिवाइडेड बाय पाई अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो ये हो जाता 2 i नॉट बाय पाई या फिर 2 v नॉट बाय पाई बेटा ठीक है क्लियर है सभी लोगों को एवरीवन जल्दी से बहुत बढ़िया आगे बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 फिफ्टी हर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रिपल विल बी बेटा डबल हो जाती है फुल फुल वेव वेव रेक्टिफायर रेक्टिफायर है 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 डबल हो जाती है, बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम रहती है फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है 2020 में भी सिमिलर सवाल आया था बच्चों अगला सवाल देखो इन द डायग्राम इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड सी बेटा यहां पर आपने इनपुट लगाया है इनपुट इज अक्रॉस री गुड एंड आउटपुट इज अक्रॉस यहाँ पर बेटा तो आउटपुट इज अक्रॉस दिस मतलब अगर आप यहां पर देखोगे तो मान लीजिए वेरी गुड और यहां पर आपने आउटपुट लेना अक्रॉस दिस रजिस्टेंस ठीक है बहुत बढ़िया देन द आउटपुट इज अब एक चीज आप यहां पर ध्यान से सुनोगे तो इस आउटपुट इस को यहां पर ऐसे ना लगाकर मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि सर यह आउटपुट आप यहां पर लगा दो आउटपुट आप यहां पर लगा दो ठीक है आउटपुट आप यहां पर लगा दो आपको क्या समझ में आता देखते हैं जरा आउट आपने यहाँ पर लगा दिया, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर ये वाले ये दोनों डायोड ये वाले दोनों डायोड फॉरवर्ड होंगे हु? Everyone. और ये वाले दोनों डायोड भी फॉरवर्ड होंगे तो सारा का सारा करंट इधर फ्लो कर जाएगा इधर फ्लो कर जाएगा, इस तरफ कुछ आने ही नहीं वाला सारा करंट इधर आ जाएगा अरे बोलो कि ना, ठीक है सारा का सारा करंट बस ऐसे आ जाएगा ऐसे आ जाएगा इधर कुछ फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि तो एज अ वायर बिहेव करेंगे ना फॉरवर्ड बाइसिंग में दे ऑफर नो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइसिंग में दिस डायोड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस तो यहां से करंट इधर यहां से इधर यहां से करंट इधर यहां से इधर समझ रहे हो ना यहां से करंट उधर ऊपर यहां से इधर यहां से करंट इधर यहां से ऊपर तो सारा का सारा करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इन वाले वायर्स में करंट आएगा ही नहीं

चमक रहा है सभी लोगों को यस और नो मस्त सवाल था चलिए आगे आ जाइए अब क्या बोला है अब बोल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर अलोंग विद द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज शॉन इन द फिगर बोल रहा है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम डी टू डी टू का कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा बेटा डी टू का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बेटा ये वाला डी टू का होगा ये वाला डी टू का होगा तो यहां पर हम बोलेंगे सर बी और डी डी टू के होंगे किसके होंगे बेटा बी और डी यहां पर डी टू के कॉन्ट्रीब्यूशन से आएंगे ये रिपल्स A वाला फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का है वाला 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 नेगेटिव नेगेटिव हाफ 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 साइकिल 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 का 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 पॉजिटिव फिर तो ये जो बी वाला है और ये जो डी वाला है ये दोनों है डी टू की वजह से किसकी वजह से बेटा डी टू की वजह से ये यहां पर जो डी टू है ना ये ये होगा तुम्हारा फॉरवर्ड बाइसिंग जब नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे आप यस और नो एवरी बहुत बढ़िया नाउ आगे बात करते हैं सर LED क्या चीज़ होती है? इट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वांटेड टू कंबाइन बेटा तो जब आप क्या करते हो जब आप इलेक्ट्रॉन और होल्स को अलाउ करते हो फॉरवर्ड बायसिंग में कंबाइन होने के लिए तो एट द जंक्शन दे कंबाइन और उस कॉम्बिनेशन से एनर्जी रिलीज होती है बेटा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और उसी एनर्जी को हम लाइट एनर्जी कहते हैं सिंबल आप देख सकते हो और वही यहां पर आप क्या करते हो एज एन आउटपुट रिकॉर्ड कर लेते हो तो बेटा यहां पर फॉरवर्ड बायस्ड एलईडी आपको दिखाई गई है जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जब होल्स और इलेक्ट्रॉन फ्यूज होते हैं तो एट द जंक्शन उनके कॉम्बिनेशन से उनके रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को ही हम लाइट के फॉर्म में ले पाते हैं बेटा और इसी को हम एलईडी बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड लाइट इमिटिंग डायोड बेटा

1240 डिवाइडेड बाय 1.9 ऑलमोस्ट यहां पर 1.9 मतलब 2 बेटा तो 654 600 यहां पर क्या आना चाहिए था 20 आना चाहिए था लेकिन 654 विल बी द करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है कैसे कैलकुलेट सिंपल है कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है हाँ सिंपल है कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ठीक है बेटा आई एम स्ट्रांग करना होता तो यहां पर आंसर के लिए आपको ऊपर 12,400 करना पड़ता है ठीक है 12,400 करना पड़ता तो पांच छे हजार पाँच सो चालीस एमस्ट्रॉन्ग करेक्ट होता छ हजार पाँच सौ चालीस एमस्ट्रॉन्ग करेक्ट होता बेटा ठीक है फिर आते हैं आपके फोटो सेल फिर कौन आते हैं बेटा आपके फोटो सेल ये भी सिंपल है लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा फोटो सेल के केस से में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो सेल हमेशा रिवर्स बायस्ड होते हैं कैसे होते हैं बेटा रिवर्स बायस्ड होते हैं कंपल्शन है

देखो जरा यहां पर ध्यान से सुनना क्या हो रहा है आपने ओपनिंग रखी

में काम कर रहे होते जहां पर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है डिप्लीशन लेयर का रीजन बहुत बड़ा है जिसमें डिप्लीशन लेयर में इफ वी अलाउ अ लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी टू फॉल तो उस फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो यहां पर बॉन्डेड होते हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं एक्साइट होकर बाहर निकल जाते हैं बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टू तो एन साइड एंड होल ड्रिफ्टेड टू तो पी साइड यहां पर हमको मिलता है रिवर्स रिवर्स कंडीशन वाला करंट रिवर्स करंट बेटा ठीक है क्या मिलेगा बेटा रिवर्स करंट मिलेगा अब जितनी ज्यादा तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स विच इज फॉलिंग ओवर द सर्फेस बढ़ेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे अल्टीमेटली करंट बढ़ेगा तो बेटा यहां पर जो डायग्राम आपका बनता है कंडीशन में बाइसिंग में बता देता हूँ मैं डायग्राम आपको यहाँ पर आपका करंट तो एक्चुअली रिवर्स करंट ही होता है करंट तो आपका रिवर्स करंट ही होता है बेटा तो यहाँ पर इंटेंसिटी आई वन पर होगा फिर अगला आप अगर देखोगे मान लीजिए आपने थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंसिटी कर दी तो ये इंटेंसिटी आपका आई टू पर होगा फिर अगला आपने मान लीजिए और ज़्यादा इंटेंस किया और ज़्यादा इंटेंस किया बेटा तो यहाँ पर आपको रिवर्स करंट मिलेगा इंटेंसिटी आई थ्री पर मिलेगा आपने और ज़्यादा इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो अगला यहाँ पर आपको करंट इस तरह से मिल जाएगा एंड दैट वुड बी इंटेंसिटी फोर तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे बेटा तो यहां पर आप देखोगे सर आई फोर विल बी मोर देन आई थ्री विल बी मोर देन आई टू विल बी मोर देन यहां पर क्या होगा सर आई वन होगा होगा कि नहीं होगा एवरी वन चमक रहा है सभी लोगों को तो ये रिवर्स बायस्ड कंडीशन का करंट है बेटा यहाँ पर करंट आई होता है इधर आपका सॉरी यहाँ पर करंट होता है और यहाँ पर आपका वोल्टेज होता है इस तरफ हम बोलेंगे कि सर ये वोल्टेज आपने रिवर्स बायज वाला वोल्टेज लगा के रखा है तो करंट आपका रिवर्स करंट होता है हमेशा रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्टेड होता है फोटो सेल हमेशा रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्टेड होता है आपका फोटो सेल बेटा ठीक है पी जंक्शन डायोड फोटोसेल द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू बेटा यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जो आपका ई एम एफ बिल्ट होगा अक्रॉस दी कंडक्टर अक्रॉस दी डायोड बेटा वो किसके इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी ज्यादा इंटेंस होगी लाइट उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हो जाएंगे और उतना ही ज्यादा वो ड्रिफ्ट करेंगे बेटा ठीक है yes यस और no? नो चलिए सोलर सेल एक स्पेसिफिक अलग कंडीशन होती है बेटा सोलर सेल की इसके बारे में हम बात करते हैं ये दिखने में फोटो सेल की तरह होते हैं बट इसमें होता क्या है एक थीन लेयर ऑफ एन टाइप इज ग्रोन ओवर पी टाइप अगर आप यहां पर देखोगे तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के ऊपर एन टाइप का सेमीकंडक्टर हम ग्रो करवाते हैं फिर यहां पर कुछ ओपनिंग्स रखते हैं बेटा और कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं ठीक है उस ओपनिंग में व्हेन द लाइट ऑफ सफ़िशिएंट फ्रीक्वेंसी इज फॉलिंग When the light of is falling, तो वहाँ पर क्या करते हैं फिर से वही कहानी फिर से क्या करेंगे बेटा बॉन्ड ब्रेक करेंगे अब ऊपर आपने कुछ इलेक्ट्रोड लगा के रखे हैं बेटा और नीचे भी आपने यहाँ पर क्या करके रखा है बेटा मेटल लगा के रखा हुआ है बैक कॉन्टेक्ट जिसे हम इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं यहाँ पर देखो लिख ये ये वाली कौन सी है सर यह है मेटलाइज फाइन इलेक्ट्रोड्स मेटलाइड मेटेलाइज्ड फाइन इलेक्ट्रोड्स ताकि इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए बेटा बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ब्रोकन बिकॉज ऑफ ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई द

धीरे <laughs> धीरे चीजें ठीक चलती रहती हैं, फिर जो है बातें शुरू हो जाती नहीं क्या बोलते हो धीरे धीरे चीजें ठीक चलती है फिर बातें शुरू हो जाती हैं हाँ क्या हो गया क्या हो गया करेक्ट आंसर बताओ करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ यस yes.

ठीक है यहां पर आइडेंटिफाई द सेमी कंडक्टर डिवाइस हूज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो इन दी ऑर्डर ऑफ वन टू थ्री एंड फोर ठीक है वन टू थ्री एंड फोर एक बात समझ में आ गई सर तीसरा वाला तो सोलर है तीसरा वाला तो सोलर है क्योंकि फोर्थ क्वारंट में आई हुई कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है ठीक है दूसरा यहां पर पहला वाला मेरे को सिंपल डायोड दिख रहा है पहला वाला सिंपल डायोड दिख रहा है ठीक है तो सिंपल डायोड ज़ेना डायोड सोलर सेल एंड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस बेटा यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है केवल कैरेक्टर्स अलग-अलग दे दिए और उससे पहचानने को बोला कि कौन किसका होगा आ, पता लगाओ ठीक है हाँ जी हाँ जी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बेटा ट्रांजिस्टर क्या चीज होती है तो ट्रांजिस्टर बेसिकली तीन चीजों को हम एक साथ रखते हैं ठीक है एमिटर को बेस को और कलेक्टर को अब इमीटर क्यों कह रहे हैं बेस क्यों कह रहे हैं और कलेक्टर क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूं यहां पर आ जाइए हमने खूबसूरत थ्योरी यहां पर लिखी हुई है बेटा तो थ्री टर्मिनल डिवाइस क्या होता है ये सर थ्री टर्मिनल डिवाइस विच ट्रांसफर वन सिग्नल फ्रॉम लो रजिस्टेंस सर्किट टू हाई रजिस्टेंस सर्किट बेटा इनपुट से आउटपुट की तरफ सिग्नल को ट्रांसफर करने का जो काम करता है डिवाइस उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं ट्रांजिस्टर यहां पर दो तरह के होते हैं बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है बिटवीन टू एन वन पी इज सैंडविचड बेटा बिटवीन टू एन वन पी इज सैंडविचड एक होता है आपका पी एन पी बिटवीन टू पी वन एन इज सैंड

इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड वन इज इन रिवर्स बाइसिंग बेटा ऑन द बेस ऑफ जंक्शन कंडीशन ट्रांजिस्टर वर्क इन फोर डिफरेंट रीजन बेटा आपने ई e और बी को कैसे कनेक्ट किया है आपने सी और बी को कैसे कनेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट रीजन

एक्टिव स्टेट में काम करता है यह एक्टिव स्टेट में काम करता है हम इस कंडीशन को यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर बेटा इस कंडीशन को हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, ठीक है एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाएगा अगर इमिटर और बेस आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में है कलेक्टर और बेस आपका रिवर्स बाइसिंग में है इसको हम एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे इमिटर बेस आपका रिवर्स बायस में है कलेक्टर बेस आपका फॉरवर्ड बायस में है ये इनवर्स एक्टिव हो गया एक्टिव का जस्ट उल्टा हो गया बहुत ज्यादा काम का नहीं है रिवर्स बायस है अगर आपका फॉरवर्ड इमिटर बेस रिवर्स बायस बायर्स अगर आपका कलेक्टर बेस तो ये कट ऑफ रीजन में होगा फॉरवर्ड बायस बा अगर आपका बेटा इमिटर बेस और फॉरवर्ड बायस बा अगर आपका कलेक्टर बेस ये सेचुरेशन स्टेट होगा बेटा और ये दोनों हम यूज करते हैं कब जब एज अ स्विच ट्रांजिस्टर को यूज करना हो कहां पर बेटा एज अ स्विच तो ये दोनों तरह के कनेक्शन होने चाहिए एज अ स्विच एज अ स्विच जब वोल्टेज बहुत कम होगा जब वोल्टेज बहुत कम होगा तो कट ऑफ सिचुएशन में होगी जब वोल्टेज बहुत हाई होगा तो सिचुएशन सिचुएशन में होगी सर्किट यहां पर एज अ स्विच काम करता है बेटा तो हम

इमीटर बेसिकलीमिट इमीट करते हैं चार्ज करियर्स को इसलिए इनका नाम इमीटर है ये मीडियम साइज के होते हैं हाई डॉपिंग होती है बेटा इनकी डॉपिंग हाई होती है जो बेस होते हैं बेटा स्मॉलेस्ट थी साइज के होते हैं इनकी लो डोपिंग होती है क्यों इन्हें स्मॉलेस्ट साइज का रखा होता है क्योंकि इमिटर से जितने चार्ज करियर्स इमिट किए जाते हैं हम चाहते हैं मोस्ट ऑफ देम शुड रीच टू द कलेक्टर बेटा मोस्ट ऑफ दुड रीच टू द कलेक्टर इमिटर जितना चार्ज करियर क्या करेगा बेटा इमिटर जितना चार्ज करियर इमिट करेगा उस वो क्या करेगा बेस रीजन को बेस रीजन को क्रॉस कर जाए आसानी से इसलिए बेस रीजन को पतला रखते हैं थीन रखते हैं कम से कम लॉसेस होते हैं वहां पर ठीक है चलिए कलेक्टर लार्जेस्ट इन साइज होता है बिकॉज इट हैज टू कलेक्ट वट एवर बींग सेंड बाई इमिटर बेटा जो भी ये इमिट करेगा इसको कलेक्ट करना पड़ेगा ये मीडियम डॉप्ड होता है ये कैसा होता है बच्चों मीडियम डॉप्ड होता है ना अब आ जाइए यहां पर ठीक है यहां पर आ जाइए बहुत सारी बातें मैंने और आपके लिए लिखी हुई है बहुत सारी बातें लिखी हुई है एक एक करके करते हैं बेटा द कलेक्टर रीजन इज मेट हैज टू डिसिपेट मच ग्रेटर पावर बेटा बहुत ज्यादा पावर कलेक्टर को डिसिपेट करना होता है इसलिए लार्ज इन साइज होने से हीट की वजह से डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं ठीक है ट्रांजिस्टर ऑफ ऑल मोस्टली वर्क इन एक्टिव रीजन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांजिस्टर वर्क एज एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन ओनली बेटा ठीक है नाउ ट्रांजिस्टर इन शॉर्ट फ्रॉम टू वर्ड्स ट्रांसफर रजिस्टर्स बेटा सिग्नल इज एट लो रजिस्टेंस सर्किट एंड आउटपुट इज टेकन एट हाई रजिस्टेंस सर्किट बेटा इनपुट रजिस्टेंस बहुत कम होता है आउटपुट रजिस्टेंस बहुत हाई होता है ठीक है बेस इज लाइटली डॉप्ड अदरवाइज द मोस्ट ऑफ द चार्ज करियर फ्रॉम द इमीटर रिकम्बाइन इन द बेस रीजन एंड नॉट रीच एट द कलेक्टर मैंने वही कहा था अगर बेस को आप पतला ना रखोगे मोटा रखोगे तो जो चार्ज करियर इमीटर से भेजा जा रहा है वो बेस में ही खत्म हो जाएगा कलेक्टर के पास पहुंचेगा ही नहीं तो आउटपुट लाओगे कहां से ठीक है तो ट्रांजिस्टर इज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस दैट इज द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कंट्रोल्ड बाय द मोशन ऑफ चार्ज करियर दैट इज करंट अगर आप चार्ज करियर को कंट्रोल कर लोगे तो आप ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सकते हो ये छोटी सी बात यहां पर लिखी हुई है ठीक है नाउ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स वेव शेप एंड एंड विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी नोन नोन एज एज डिवाइस इज एम्पलीफायर बेटा एंडक्वेंसी कि आपने ऐसा इनपुट सिग्नल दिया है तो ऐसा ही आउटपुट सिग्नल आए या फिर ऐसा आउटपुट सिग्नल आए ना तो यहां पर क्या बोला विदाउट डिस्टॉर्टिंग द वेव शेप बेटा यानी कि ऐसा था तो अगर ऐसा है वेव शेप तो ऐसा ही वेव शेप बने बेटा या फिर ऐसा

बात करते हैं सर ठीक है तो यहां पर आता है सर कॉमन बेस में बेस एक्चुअली क्या होता है बेस इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड बेटा यहां पर बेस इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड इनपुट होता है इमिटर और आउटपुट होता है कलेक्टर बेटा जो भी इनपुट है वो कौन है बेटा इनपुट इमिटर हो गया और आउटपुट तुम्हारा कलेक्टर हो गया और कॉमन अमीटर के केस में Common emitter के केस में, बेस इनपुट हो गया और कलेक्टर आउटपुट हो गया ठीक है अभी सारी चीजों में आप अगर सारे डायग्राम्स को ऑब्जर्व करोगे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सर जो आई ई का वैल्यू है वो यहां पर लिखा जा सकता है आई बी प्लस आई सी देखो जरा यहां पर आई ई इज इक्व टू क्या लिखा जाएगा बेटा आई बी प्लस आई सी एवरी वन देखो यहाँ से ये आई ई अंदर आया यहाँ से कलेक्टर का करंट अंदर आएगा यहाँ से बेस का करंट अंदर आएगा तो यहाँ पर आई ई इज इक्व टू क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ से कलेक्टर अंदर आ रहा है ना मीटर यहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ से बाहर निकलेगा तो जितना अंदर आ रहा है वो दो जगह से बाहर हो जा रहा है यहाँ से देखो जितना अंदर आ रहा है ये दोनों मिलकर उतना बाहर हो जा रहे हैं ठीक है क्लियर है इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है यहां पर हाई होता है बेटा करंट गेन यहां पर अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पर बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है क्या होता है करंट गेन किसी भी देखो गेन की जब हम बात करते हैं सिंपल होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट गेन का मतलब होता है गेन का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो उसके आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के रेशो से बनती है आप करंट गेन की बात कर रहे हो तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट आउटपुट करंट कौन है बच्चों आउटपुट करंट कौन है कॉमन बेस के केस में कलेक्टर आउटपुट है तो कलेक्टर करंट आपका आउटपुट हो गया इनपुट कौन है इमिटर है अच्छा एक बात बताओ जरा अभी आपने क्या लिखा सर आई ई का वैल्यू क्या होता है आई बी प्लस आई सी होता है अगर आपका ऊपर आई सी है और नीचे आपका आई ई है ये बड़ा है ये छोटा है तो वैल्यू तो लेस देन वन होनी चाहिए थी ना तो इज लेस देन वन लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे इसमें कलेक्ट आउटपुट कौन है बेटा कलेक्टर इनपुट कौन है बेटा बेस बेस करंट बहुत कम होता है बिकॉज वेरी फ्यू माइनोरिटीज यहां पर जो है आपकी क्या होती है डिजोल्व होती है बेटा बहुत कम यहां पर जो चार्ज करियर होते हैं इमीटर जितना भेजता है ना उसमें से मोस्ट ऑफ द चार्ज करियर रीच टू दी कलेक्टर बहुत कम बेस रीजन में खत्म होते हैं एंड यहां पर उसी रीजन से आप बोलोगे आउटपुट करंट आपका आईसी है और इनपुट करंट आपका आईबी है अगर आईबी बहुत कम है और आईसी ज्यादा है बेटा तो यहां पर बीटा का वैल्यू विल बी वेरी हाई इसीलिए मोर देन वन होता है चमक रहा है सभी लोगों को चमक रहा है कि नहीं रटने की जरूरत नहीं है सर यहां पर आई सी बाई आई ई क्यों है क्योंकि ये आउटपुट है ये इनपुट है यहां पर आई सी बाई आई बी क्यों है? क्योंकि ये आउटपुट है ये इनपुट है मैंने आपको सीधा समझाया कॉमन बेस में कौन है कॉमन बेस में कौन है तुम्हारा इनपुट आई ई कौन है आउटपुट कलेक्टर कॉमन एमिटर में कौन है इनपुट तुम्हारा आई बी कौन है तुम्हारा आउटपुट कलेक्टर उसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखो कॉमन कलेक्टर में बेस तुम्हारा इनपुट इमीटर तुम्हारा आउटपुट तो यहां पर देखो गामा हो गया आई ई डिवाइडेड बाई आई बी कोई फर्क नहीं पड़ता

भाई पावर हो जाएगा आउटपुट पावर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर पावर क्या होता है बच्चों पावर होता है सर आउटपुट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर इनपुट का होल स्क्वायर ठीक है इनटू में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर रेजिस्टेंस आर आई आर एल और आर आई ये करंट गेन का होल स्क्वायर हो गया देखो जरा अरे करंट गेन का होल स्क्वायर हो गया हो गया कि नहीं पावर पी इज़ इक्व टू आई स्क्वायर आर होता है तो यहां पर पावर गेन भी आ गया पावर गेन भी आ गया यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो फेज़ डिफरेंस होता है बेटा इनपुट में और आउटपुट में यहां पर सेम फेज़ में होता है यहां पर ऑपोजिट फेज में होता है और यहां पर भी आपका यहां पर सेम फेज़ में होता है कॉमन एमिटर के केस में फेज चेंज हो जाता है यानी कि एडिशनल पाई का फेज आ जाता है बेटा यहां पर ठीक है नाउ बात करेंगे सर आप क्या-क्या चीजें होती हैं तो ये सारी बातें जो लिखी हुई है ये तो आप पढ़ेंगे बेटा अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं सवालों की दुनिया में क्या आप इनको सबको याद रखेंगे ये सारी चीजें हम्म जल्दी से बताओ सवाल करने के लिए तैयार हो आप सवाल करने के लिए तैयार हो आप ट्रांजिस्टर का पूरा खेल हम लोगों ने समझ लिया है बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर में आपको समझा चुका हूँ बेटा बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर में आपको समझा चुका हूँ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं सवालों पर ठीक है फोर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा इसमें से कौन सा सही होगा बेस इमेचर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन गलत हो गया बेस

ठीक है नाउ इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट अल्फा एंड बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर्स यहां पर क्या चीजें होंगी देखो इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट अल्फा एंड बीटा क्या चीजें यहां पर होंगी माय डियर फ्रेंड्स आपने अल्फा को क्या लिखा था आपने अल्फा को लिखा था सर इसको लिखा जाएगा आई सी डिवाइडेड बाई यहां पर हम लिखेंगे इसको आई ई कॉमन बेस के केस में आई सी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बेटा आई ई e लिखेंगे वेरी गुड एंड एंड आपने ये लिखा था कि सर बीटा अगर हमको लिखना है तो हम इसको लिखेंगे सर आई सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारा होगा आई बी ठीक है एक बात को ध्यान से सुनना बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इस आई सी को आई सी रहने दो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे सर आई बी और प्लस अगर मैं इसको लिखूँ आई सी तो चलेगा क्या आई ई e को क्या लिख सकते हैं अपन आई ई e को लिख सकते हैं बॉस आई ई e को लिखा जा सकता है आई बी प्लस आई सी लिख सकते हैं अपन वेरी गुड तो यहां से अगर मैं आई सी को कॉमन करूं तो ये हो जाएगा सर आपका IC यहां पर हो जाएगा सर दिस वुड बी योर आई बी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका आई सी और प्लस हो जाएगा बेटा वन और यहां से आपने आई सी बाहर कर दिया IC से आई सी कैंसिल आउट हो गया वेरी गुड तो बच्चों ये आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय यहां पर आईबी बाई आईसी आई बी बाई आई सी कैन बी रिटर्न एज वन डिवाइडेड बाई बीटा और प्लस यहां पर हो जाएगा वन तो दोस्तों इसको मैं उठाकर यहां पर लिखता हूं वी कैन राइट वन डिवाइडेड बाई बीटा साथियों, तो तो पर ये रिजल्ट आएगा बेटा. One minus alpha divided by alpha, तो बेटा का अल्फा और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा वन माइनस अल्फा आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया है ना आंसर आया आप लोगों नहीं आया ए? तुम लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो कि अल्फा बीटा में रिश्ता बना दिया हम लोगों ने अब हम यूं कह रहे हैं बेटा कि जो अल्फा का वैल्यू है वो तो लेस देन वन होता ही है ठीक है तो यहां पर बीटा का वैल्यू मोर देन वन होना ही चाहिए ठीक है बीटा शुड बी वेरी हाई यहां पर होना ही चाहिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है डी आ जाता है बोलो हा कि ना यशवर्धन राठौर साहब जय राजपुताना अब आप जो है है ना जय राजपुताना कहना बंद कर दीजिए भाई ठीक है हाँ चैट में लिखने से राजपुताना नहीं साबित हो जाएंगे यार अपन ठीक है ठीक <laughs> है आओ बेटा यहां पर अगला सवाल अगला सवाल देखते नीट 2018 में आया देखो क्या बोल रहा है इन द सर्किट ऑन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज इज यहां पर 20 वोल्ट बेटा एंड वी बी इजरो अच्छा यहां पर ये यह बेस है यहां पर ये यह आपका ई है और उसने बोला है कि नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एंड इमीटर बेटा इसका मतलब है कि अगर यहां पर पोटेंशियल जीरो वोल्ट है तो यहां पर भी पोटेंशियल जीरो वोल्ट बोलना पड़ेगा अगर ध्यान से सुनो अगर बोला होता कि वी बी ई इज इक्वस टू टेन वोल्ट तो मैं बोलता अगर यहां पर जीरो है तो यहां पर दस वोल्ट ले लेते हैं समझ रहे हो ना ऐसे सोचना होता है लेकिन उसने तो जीरो बोल दिया तो यहां जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो ही होगा वेरी गुड अब बोल रहा है जीरो जीरो बेटा इसका मतलब अगर ई e जीरो है तो यहां पर सी भी जीरो वोल्ट पे ही होगा चलो बहुत बढ़िया इतनी बातें तो समझ में आ गई अब उसने बोला है कि इनपुट तुम्हारा यहां पर 20 वोल्ट का है इनपुट तुम्हारा 20 वोल्ट का है तो अगर यहां पर यहां पर 20 है यहां पर जीरो है तो इसके अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया बेटा 20 वोल्ट का हो गया तो हम करंट निकाल सकते हैं आई बी और करंट आई बी क्या होगा बेटा बीस डिवाइडेड बाई यहां पर आ जाएगा पांच सौ इन टू मै टेन रेस टू तो दी पावर थ्री क्योंकि किलो ओम में है चेंज करना पड़ेगा ठीक है किलो ओम में है तो चेंज करना पड़ेगा तो यहां पर चालीस माइक्रो एम्पियर एन बी दी करेक्ट आंसर बेटा कितना आ जाएगा चालीस माइक्रो एम्पीयर ये आएगा ना पांचों बीस ये आएगा ना पांचों बीस से ये चार होगा ये टेन रेस्तुरेंट पार क्या हो जाएगा बेटा माइनस फाइव एक और एक्स्ट्रा कर देंगे तो चालीस माइक्रो एम्पीयर इज दी करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकते ठीक है अब हम बात करते हैं बेटा आईसी की यहां पर कितना है बीस है यहां पर कितना है जीरो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया बेटा बीस वोल्ट का हो गया तो यहां पर करंट क्या होगा सर करंट होगा आईसी आईसी को लिखेंगे सर बीस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा चार इंटू मै टेन रेस टू दी पावर यहां पर थ्री बेटा तो यह हो जाएगा पांच इंटू मै टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री तो यह हो जाएगा बेटा आपका पांच मिली एम्पियर कितना हो जाएगा बच्चों पांच मिली एम्पियर कुल मिलाकर करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया कुल मिलाकर करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया क्योंकि अगर आपको बीटा निकालना है तो हम बीटा भी सिंपल लिखेंगे बॉस ये होना तो आई सी डिवाइडेड बाई आई बी ही था तो आई सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है सर फाइव इंटू मै टेन रेसू दी पावर माइनस थ्री यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा फोर्टी इंटू मै टेन पावर माइनस सिक्स आंसर आना है अफकोर्स वन ट्वेंटी फाइव ऑफकोर्स वन ट्वेंटी फाइव एवरी वन बहुत बढ़िया चलो बेटा इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल ऑडियो सिग्नल अक्रॉस द कलेक्टर इज थ्री वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज ए यहां पर कितना बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर यानी कि आप बोलोगे सर आर एल आपको यहां पर दिया हुआ है

इण, एक तो ये पूछा है क्या होगा दूसरा पावर गेन यानी कि ए आपसे पूछा है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट ये कितना होगा बच्चों या तो डायरेक्ट फार्मूला रखो या डायरेक्ट फार्मूला नहीं भी रखो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि सर जो हमने एवी पढ़ा था वो बेसिकली यहां पर होता क्या है जो एवी हमने पढ़ा था वो बेसिकली होता है करंट गेन मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा यहां पर आर एल डिवाइडेड बाय होता है यहां पर आपका आर बी यहाँ पर करंट गेन कितना दिया है सर सौ दिया हुआ है आर एल का वैल्यू कितना है सर थ्री है और यहां पर यह कितना वैल्यू बेटा टू है आंसर कितना आएगा डेढ़ सो आंसर कितना आएगा बेटा डेढ़ सो डेढ़ सो और यहां पर हो जाएगा आपका कितना बेटा पंद्रह हजार विल बी दी

बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं बस आपको फोकस्ड होकर देखने की जरूरत है वेन द अमीटर करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज चेंज बाय वन मिली एम्पियर एंड इट्स कलेक्टर करंट चेंज बाय जीरो पॉइंट नाइन नाइन जीरो मिली एम्पियर द कॉमन बेस सर्किट करंट गेन यहां पर क्या होगा बेटा कॉमन बेस के केस में कॉमन बेस के केस में करंट गेन यहां पर क्या होता है बेटा यहां पर होता है डेल्टा आई सी डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे सर डेल्टा आई ई -E. वेरी गुड ठीक है डेल्टा सी यहां पर बोला है अमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर इज चेंड बाय अमीटर करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर वैल्यू बेटा तो कलेक्टर करंट में चेंज आया है जीरो पॉइंट नाइन नाइन जीरो का और यहां पर चेंज आया बेटा वन का तो आंसर आ जाएगा सर आंसर आ जाएगा यहां पर ऑप्शन डी डायरेक्ट पॉइंट नाइन नाइन जीरो पॉइंट नाइन नाइन जीरो इज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ किसमें बेटा इन केस ऑफ कॉमन बेस सर्किट ठीक है बहुत बढ़िया द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन इज कितना बेटा यहां पर आपको दिया टू किलोम एसी करंट गेन इज ट्वेंटी इफ द लोड रजिस्टेंस इज फाइव किलो ओम देन कैलकुलेट द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दूसड बेटा ट्रांस कंडक्टेंस क्या चीज होती है ट्रांस कंडक्टेंस क्या चीज होती है जल्दी से बताइए ट्रांस कंडक्टेंस का सवाल आ गया है बेटा आपके सामने ट्रांस कंडक्टेंस का सवाल आ चुका है ट्रांस कंडक्टेंस का सवाल आ चुका है बेटा सिंपल सवाल है ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय जीएम और ये होता है बेटा यहां पर आपका बीटा और नीचे होता है यहां पर आपका इनपुट रेजिस्टेंस ठीक है तो करंट गेन डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस यहां पर करंट गेन कितना है? बेटा 20 का है इनपुट रेजिस्टेंस इज आपको दिया गया बेटा 2 तो वैल्यू आ रही है टू इंटू में टेन रहे पावर यहां पर क्या करना पड़ेगा थ्री करना पड़ेगा ना किलो ओम में है तो ये आ रहा है यहां पर आपका टेन तो ये हो जाएगा सर टेन इंटू में टेन रेस टू दावर माइनस थ्री तो आंसर आ जाएगा सर टेन रेस टू दावर माइनस टू यानी कि जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन यहां पर आएगा बेटा मो जीरो पॉइंट जीरो वन मो बेटा ठीक है दैट इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए आया समझ में सब लोगों को एवरीबॉडी क्विकली यस बच्चो ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखेगा ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखेगा दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद, याद रखेंगे मैं यहां पर भी नोट्स में लिख देता हूं Transconductance, ठीक जी एम इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय आर इनपुट ये होता है ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला ठीक है राइट right, बच्चों चलो आगे आ जाते हैं आगे आ जाते हैं अब देखते हैं अगला यहां पर क्या है यह बोल रहा है इनपुट सिग्नल गिवन टू कॉमन अमीटर एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन ऑफ 150 फिफ्टी

क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा ये कौन सा वाला बेटा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है तो जो भी फेज होगा यहां पर एडिशनल पाई का फेज डिफरेंस आएगा बेटा एडिशनल पाई का फेज डिफरेंस आएगा यानी कि हमको लिखना पड़ेगा सर वी आउटपुट वुड बी 150 फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय हम लिखेंगे यहां पर टू इन टू माई ऑफ ये हो जाएगा सर आपका फिफ्टीन टी प्लस यहां पर होगा आपका पाई बाई थ्री और इसमें एक्स्ट्रा पाई लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा बेटा एक्स्ट्रा पाई लिखना पड़ेगा क्यों लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा पाई क्योंकि कॉमन अमीटर एम्पलीफायर है कॉमन कलेक्टर होता कोई फेज नहीं, नहीं कोई चेंज नहीं होता बेटा कॉमन वेस में कोई फेज चेंज नहीं होता कॉमन एम्पलीफायर में वन एटी डिग्री का फेज चेंज होता है उसकी वजह से यहां पर वैल्यू हो जाएगी बच्चों थ्री हंड्रेड ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ यहां पर होगा सर फिफ्टीन टी एंड दैट वैल्यू वुड बी कितनी बेटा फोर पाई डिवाइडेड बाई थ्री क्या ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को क्या ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को एवरी इतनी बातें क्लियर हो गई आगे हम बात करते हैं सर ट्रांसफार्मर कैरेटरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज बी नॉट वर्स द इनपुट वोल्टेज फॉर अ बेस बाई ट्रांजिस्टर इन कॉमन अमीटर कॉन्फिगरेशन इज शॉन इन द फिगर बेटा बोल रहा है फॉर यूजिंग द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ये वाला सिचुएशन है आपका कट ऑफ ये वाला है बेटा आपका कट ऑफ सिचुएशन ये वाला आपका सेचुरेशन वाला और ये बीच में होता है बेटा आपका एक्टिव मैंने आपको बोला था एज अ स्विच किस में होता है बेटा कट ऑफ में होता है और सेचुरेशन में होता है तो होना चाहिए इन बोथ रीजन वन एंड थ्री इन बोथ रीजन वन एंड थ्री अगर एज अ स्विच यूज़ करना है एज अ स्विच यूज़ करना है तो दोनों में होना चाहिए बेटा कट ऑफ वाले में भी कट ऑफ वाले में भी और सेचुरेशन वाले में भी दोनों में होगा तो ये काम प्रॉपर करेगा एज अ स्विच बच्चों ठीक है यस और नो एवरी वन लॉजिक गेट्स पर आ जाएं एक सवाल 110% परसेंट आना है आप लोगों के एग्जाम में लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट्स बस बेटा क्लास 20 मिनट और चलेगी 11 बजे डॉट खत्म हो जाएगी 11 के पहले खत्म हो जाएगी ठीक है एक बार जरा दिलविल बना दो जरा क्या क्या सभी बच्चे मुझ तक प्रॉपर मैं सभी बच्चों तक प्रॉपर पहुंच पा रहा हूं एवरी वन यस चैंपियंस लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट्स क्या होते हैं अ लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच बेस्ड ऑन द सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट ठीक है क्या बेसिक रिलेशन होता है उस पर हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स आर बिल्ड यूजिंग द सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर

वेरियस गेट्स पर आ जाते हैं और आपके लिए सारी छोटी छोटी बातें लिखी हुई है सबसे पहला गेट है हमारा और गेट सबसे पहला गेट कौन सा बेटा और गेट और का सिंबल अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है आप लोगों को हल्का सा यहाँ से ऐसा टर्न होता है तो ये और गेट बनता है बेटा स्ट्रेट होता है तो ये एंड गेट बनाता है स्ट्रेट होता है तो ये एंड गेट बनाता है ठीक है इसको रीड हम ऐसे करते हैं ए और बी एटलीस्ट टू इनपुट्स आर रिक्वायर्ड दो इनपुट होना कम से कम जरूरी है ठीक है दो इनपुट यहां पर होना जरूरी है जैसे ए बी और यहां पर आउटपुट आपका हो गया वाई जब आपका ए जीरो बी जीरो जब आपका ए जीरो बी जीरो तो आउटपुट जीरो मतलब कि यहां पर ए बी ओपन है और बी भी ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट आपका जीरो हो गया अगर आपने ए को ओपन रखा बी को क्लोज किया तो सारा का सारा करंट यहां से ऐसे जाएगा जाएगा और इस बल्ब को ग्लो करते हुए आ जाएगा। अगर आपने यहां से देखा तो सारा का सारा करंट ए में से होते हुए जाएगा और यहां आ जाएगा यहां पर यह वन हो जाएगा जब दोनों को क्लोज कर दोगे तो यहां से जाएगा ऐसे यहां से जाएगा ऐसे और ये करंट ऐसे आ जाएगा सो आउटपुट विल बी हाई वेन वेन एनी इनपुट इज हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा और गेट के केस में ए और बी में से कोई एक अगर हाई है तो आउटपुट हाई हो जाएगा ये बात तुम्हें याद रखनी है ठीक है एवरी वन ये बात सबको समझ में आई तो तुम्हारा तुम्हारा और गेट कंप्लीट हुआ बच्चों एंड गेट एंड गेट को कैसे रीड करते हैं वाई इज इक्वस टू ए एंड बी अब इसमें ध्यान से देखो ये इसका डायग्राम यहां पर बना हुआ है दोनों स्विच सीरीज में कनेक्टेड है अगर दोनों ओपन है तो तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा यानी कि जीरो है लेकिन दोनों में से कोई एक भी अगर ओपन है यानी कि एक जीरो एक वन एक वन एक जीरो तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा यानी कि आउटपुट को अगर हाई करना है इन केस ऑफ एंड गेट बेटा तो आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन हाई। जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी तुम्हारा आउटपुट हाई होगा अदरवाइज आउटपुट हाई नहीं होगा बेटा ठीक है अगर आपने आउटपुट इनपुट वन दिया आउटपुट को जीरो कर देगा जैसे स्विच ओपन है बल्ब ग्लो करेगा स्विच क्लोज करोगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो जीरो का वन वन का जीरो हो जाता है बेटा फिर आता है नोर गेट रिवर्स ऑफ ओर रिवर्स ऑफ और बेटा ए और बी के ऊपर आपने बार लगा दिया मतलब मतलब को reverse कर दो और और उसके आगे मतलब एक तरह से it's a combination of, nor gate यहाँ पर क्या है बेटा बेटा का combination है। 0 -0 का है आना चाहिए था इसने वन कर दिया जीरो वन का वन आना चाहिए था इसने जीरो कर दिया वन जीरो का जीरो वन आना चाहिए था जीरो कर दिया वन वन का वन आता इसने जीरो कर, कर दिया उल्टा हो गया बेटा ठीक है फिर यहां पर क्या लिखा देखो एंड एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल बेटा इनकी मदद से हम जो चाहे गेट बना सकते हैं जैसे आपने यहां पर बनाया नेंड गेट कैसा हो गया एंड प्लस नॉट बेटा एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन यानी कि एंड को रिवर्स कर देना है आपके सामने ठीक है ठीके? चलो एक गेट आता जिसका है, एक gate है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव बेटा एक गेट है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव ओवर गेट या फिर इसको एक्जोर गेट बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं इसको एक्जोर गेट बोलते हैं द आउटपुट ऑफ टू इनपुट जोरगेट अटेंस द स्टेट वन इफ वन एंड ओनली वन इनपुट अटें स्टेट वन बेटा ठीक है लॉजिक पर बात करते हैं कब और कैसे यहां पर बोल रहा है इस लाइन का मतलब समझो वो बोल रहा है आउटपुट अटेंड वन इफ ओनली वन एंड वन इनपुट इज मतलब दो में से केवल कोई एक इनपुट वन होगा केवल कोई एक दोनों जीरो है तो भी आउटपुट जीरो दोनों वन है तो भी आउटपुट जीरो दोनों में से कोई एक वन होना चाहिए तो ही आउटपुट तुम्हारा वन होगा यहां पर देखो जीरो वन पे वन है वन जीरो पर वन है बाकी दोनों जीरो पर जीरो है और दोनों वन वन पर जीरो है तो ये तुम्हें गेट की ट्रूथ टेबल है बेटा इसका बुलियन एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है बेटा इसका बुलियन एक्सप्रेशन ऐसे एक, लिखा गया है ए एंड बी नेगेशन प्लस ए नेगेशन एंड बी ठीक है या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर ए और वो सर्कल बनाकर ऐसे लिख लो ठीक है अब यहां पर आता है बेटा ठीक है गेट मतलब एक्सोर गेट के आगे नोट लगा दो अब यहां पर ये क्या बोलेगा यहां पर ये बोलेगा कि आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट या तो जीरो हो या फिर दोनों इनपुट वन वन हो बेटा ठीक है सिमेट्रिक सर्किट बनाता है तो यहां पर क्या हो गया जीरो जीरो पर वन और वन वन पर वन जीरो वन पर जीरो, है, वन जीरो पर भी जीरो है बेटा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट ये दो है याद रखना डी मॉर्गन थ्योरम फर्स्ट थ्योरम कहती है अगर आपने ए और बी का नेगेशन किया तो इसको ए नेगेशन डॉट बी निगेशन लिखा जा सकता है सेकेंड थ्योरम कहती है ए एंड बी का होल नेगेशन है ए नेगेशन और बी नेगेशन इंडिविजुअली लिखा जा सकता है दिस इज हाउ यू कैन ऑपरेट द थिंग्स बेटा समझ में आ रही है सभी लोगों को बात तो ये सारे के सारे गेट्स क्लियर हो गए सारे के सारे गेट्स क्लियर हो गए सारे के सारे गेट्स रिवाइज हो गए जल्दी से थम्स अप करो जल्दी से थम्स अप करो बेटा सारे के सारे गेट्स रिवाइज हो गए बहुत बढ़िया आ जाओ द सिंबल रिप्रेजेंट्स ये किसका सिंबल है बेटा दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स किसका सिंबल है नैंड गेट का अरे ये तुम्हारा यहाँ पर एंड है और इसके आगे ये क्या है ये नॉट है तो एंड और नॉट मिलाकर क्या बनता है नैंड गेट बनता है क्या बनता है बच्चों नैंड गेट बनता है वेरी गुड द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नोर गेट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नोर गेट इज ए और बी के ऊपर नेगेशन लगा दो ए और बी के ऊपर नेगेशन लगा दो नोर गेट बन जाता है ए और बी के ऊपर नेगेशन लगा दो नोर गेट बन जाता है द आउटपुट ऑफ और गेट इज वन द आउटपुट ऑफ और गेट इज वन आउटपुट ऑफ किसका और गेट का और गेट का आउटपुट वन कब होता है जब दोनों में से कोई भी एक सिग्नल वन हो जाए ठीक है तो बेटा इफ बोथ द इनपुट्स आर जीरो इफ आइदर ऑफ बोथ द इनपुट्स आर वन इनपुट आर वन इफ आइर ऑफ द इनपुट हम बोलेंगे कोई एक वन हो तो आउटपुट आपका हाई हो जाता है ठीक है बच्चो चलिए थ्रूट टेबल इज फोर विच गेट बेटा वन वन पर जीरो है जीरो वन पर वन है वन जीरो पर वन है जीरो जीरो पर वन है अच्छा जी क्या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि ये तो उल्टा हो गया सर जीरो जीरो का अगर जीरो होता वन जीरो का अगर जीरो होता जीरो वन का अगर जीरो होता और वन वन का अगर वन होता तो ये ऑपरेशन हमको बताते कि ये तुम्हारा एंड गेट होता लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है उल्टा हो रहा है मतलब एंड का उल्टा नेंड हो जाएगा एंड का उल्टा नेंड हो जाएगा बोलो और नो बहुत बढ़िया अगला सवाल आपके सामने है देखो जरा कब आया 2020 में आया ये बोल रहा है फॉर द लॉजिक सर्किट ऑन इन द फिगर द ट्रूथ टेबल इज अगर आपने यहां पर ए इनपुट दिया यहां पर ए का निगेशन जाएगा यहां आपने बी इनपुट दिया यहां पर बी का निगेशन जाएगा ये कौन सा गेट है बेटा और गेट है ये कौन सा गेट है बेटा और गेट है तो यहाँ पर क्या आता और के आगे बेटा आपने क्या लगा दिया एक नॉट लगा दिया मतलब ये कौन सा गेट हो गया बेटा ये नॉर गेट हो गया तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या मिलेगा यहाँ पर फाइनल आउटपुट वुड बी ए नेगेशन का और करेंगे बी नेगेशन का और उस पूरे का उल्टा कर देंगे बेटा तभी तो हुआ ना नोर ऑपरेशन अब अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन थियर हम इसको लिख सकते थे सर ए के नेगेशन का नेगेशन डॉट करके लिखेंगे बी के नेगेशन का नेगेशन जब नेगेशन का नेगेशन होता है मतलब वो सिंपल वैल्यू हो जाएगी बेटा अरे भाई जीरो का उल्टा वन, फिर से वन का उल्टा वापस जीरो ही तो हुआ तो ये बनता है एंड गेट बेटा ये क्या बनता है आपका ये एंड गेट का वैल्यू आ रहा है और एंड गेट मतलब आउटपुट विल बी हाई ओनली वन जब बोथ दी इनपुट्स आर हाई तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा ठीक बच्चों चमक गया ऑप्शन ए करेक्ट होगा ये एंड गेट का सवाल था ठीक है फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट टू ए एंड बी एंड आउटपुट सी द वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस ए बी एंड सी रीजन द लॉजिक सर्किट गेट इज बेटा द लॉजिक सर्किट गेट इज देखो जब ए जीरो बी जीरो सी भी जीरो जब ए वन बी जीरो तब सी वन अरे वाह अरे वाह ये तो और गेट होता है जब एक इनपुट हाई जब एक इनपुट हाई और दूसरा इनपुट जीरो और तब भी अगर तुम्हें यहां पर क्या मिल जाए बेटा आउटपुट हाई मिल जाए ये तो और गेट का कमाल है देखो फिर यहाँ पर ये भी वन ये भी वन तब भी वन ये जीरो ये वन तब भी वन दोनों जीरो तो फिर से जीरो ये वन ये जीरो तो ये वन ठीक है तो ये किसका है बेटा और गेट का कमाल है ठीक है आओ जरा आगे यहां पर अगले सवाल पर बात करते हैं क्या बोल रहा है इफ the कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट वाई कैन बी written इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी एस अच्छा ए और बी को किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं यहां पर आपने ए दिया यहां तो ए ही आएगा लेकिन दोस्तों यहां से ये यह ए ऐसे घूमता हुआ जब यहां पहुंचा तो यहां ए नेगेशन आ गया NOT गेट में से निकला ना यहां पर आपने देखा तो सर यहां तो बी का निगेशन आएगा और वो बी इधर सीधा सीधा आ गया

ऐसा सर्किट डायग्राम बताया था अभी आपको एग्जोर गेट का एग्जोर गेट का सर्किट डायग्राम ऐसे बताया था एग्जोर गेट का सर्किट डायग्राम ऐसे बताया था ठीक है चलो बहुत बढ़िया आगे आ जाओ क्या बोल रहा है द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू द गिवन द गिवन नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा यहां पर बेटा किसके बराबर होगा और गेट नॉर गेट नन गेट कैसे और गेट नोर गेट नैन गेट कैसे ठीक है इसको मैं एक इसको दूसरे तरीके से बता अभी इतनी सारे तरीके ए और बी को यहाँ से आगे भेज के किया ना अब इसको ऐसे बता देता हूँ यार मान लो अगर आपने इसको जीरो दिया इसको भी आपने जीरो दिया जीरो जीरो दिया तो यहाँ पर यह कौन सा है नोर ऑपरेशन है जीरो जीरो का और होता जीरो नॉर है इसलिए यहां पर आएगा वन यहां पर वन तो यहां पर भी वन यहां पर भी वन 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 का और ऑपरेशन वन होता लेकिन नॉर ऑपरेशन जीरो पर जीरो जीरो दिया यहां पर वन आ रहा है जब आपने जीरो जीरो दिया तो यहां पर वन आ रहा है अब आप यहां पर क्या देकर देख लो बेटा एक को जीरो दूसरे को वन करके देख लो ठीक है ये दूसरी मेथड है ठीक है इसको जीरो दिया तो जीरो और वन का भाई जीरो और वन का नोर ऑपरेशन क्या होगा नोर ऑपरेशन जीरो होगा नोर ऑपरेशन क्या होगा बेटा क्योंकि देखो जीरो और वन का वन होना चाहिए था जीरो और वन का और ऑपरेशन वन होना चाहिए था लेकिन आगे नोट लगा है इसलिए नोर हो गया नोर हो गया तो जीरो और वन का यहां पर जीरो होगा यहां पर जीरो तो इसको भी जीरो मिलेगा इसको भी जीरो मिलेगा जीरो जीरो का फिर से नॉर ऑपरेशन वन होगा और वन का नॉर ऑपरेशन वन का नॉट ऑपरेशन क्या हो जाएगा बेटा तो फाइनल आंसर जीरो. तो जीरो, जीरो पर वन आ रहा है और वन जीरो पर क्या आ रहा है बेटा वन जीरो पर आ रहा है जीरो तो तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि यह कैसा हो रहा है यह नॉर गेट बन रहा है यह कैसा गेट बन रहा है बेटा यह नॉर गेट बन रहा है यह कैसा गेट बन रहा है भाई नॉर गेट बन रहा है ठीक क्लियर है चाहो तो वन वन पे भी चेक कर लो वन वन पे भी चेक कर लो वन वन पे भी करा देता हूं बेटा वन दिया वन दिया वन वन पर नॉर ऑपरेशन वन वन का और ऑपरेशन वन लेकिन नॉर ऑपरेशन जीरो नॉर ऑपरेशन यहां जीरो तो यहां पर वापस से वन यहां पर वापस से वन तो यहां पर वापस से जीरो परफेक्ट गेट हो गया परफेक्ट गेट हो गया ठीक है चलो चलो बेटा आगे ये सेम टू सेम सवाल है ये सेम टू सेम सवाल है ये तो अभी किया ना अपन ने यहाँ पर ये रहा ये रहा ये रहा ये रहे इसकी ट्रूथ टेबल तो जीरो जीरो वन आना चाहिए एंड गेट होगा जीरो जीरो वन आना चाहिए एंड गेट होगा बेटा जीरो जीरो वन आना चाहिए एंड गेट होगा ये किसकी तरह बिहेव करता है दिस इज एंड गेट ओनली बेटा है ना ये एंड गेट की तरह बिहेव करता है मतलब अगर इनपुट तुम्हारा यहां पर क्या है हाई है इनपुट तुम्हारा यहां पर हाई है तो आउटपुट तुम्हारा हाई होना चाहिए आउटपुट तुम्हारा हाई होना चाहिए ठीक है बेटा तो ऐसे हम इसको जज कर लेंगे ऐसे हम इसको जज कर लेंगे तो ये तो तुम्हारा क्या ले लो ये तुम घर पे बैठ के इसको आंसर कर सकते हो बहुत आसानी से ठीक है सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड आज के लिए इतना काफी था बेटा आज के इतना काफी था बहुत मचाकर हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी और पूरा सेमी कंडक्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आई होप आपने सारी चीजों को समझा भी अच्छे से ढंग से आपको सारी चीजें समझ में भी आई हैं राइट किसी को कोई परेशानी नहीं है क्या बोलते हो चैम्पियंस अब एक तो चीज़ चल रही है बेटा आप सभी लोगों के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू ज्वाइन दिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज बेटा क्योंकि ये आपको नीट यू एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट फील देने वाली है इसके बिना कैसे आप चेक कर पाओगे कि क्या मुझे आता है क्या मुझे नहीं आता है ठीक है सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट उसके अलावा बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो देर इज अच देर इज अ लक्ष्य बच फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टीम है अन अकेडमी नीट की उसका एक बैच आ रहा है ट्वेंटी के लिए ग्यारह मई से शुरू होगा दो अलग अलग एसके यूज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे बेटा एक स्टोर होता है और एक आपका प्लस होता है स्टोर में अगर आप जाते हैं तो केवल स्पेसिफिक बैच आपको एक्सेस होगा स्पेसिफिक एजुकेटर का कंटेंट आपको एक्सेस होगा स्पेसिफिक एजुकेटर्स के डीपीपीज आपको मिलेंगे तो अगर ये से कई बार आप चाहते भी है कि पैसा भी कम खर्च हो और टीचर भी स्पेसिफाइड हमको मिल जाए तो आप अपनी ड्रीम असीम टीम के साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो ये विश्वास बैच आपको सबसे आगे लेकर जाने वाला बैच है आज और अभी 2023 वाले बच्चे डिसीजन लेंगे लाइव कोड लगाएंगे और सब्सक्रिप्शन डन करेंगे बेटा कंट्री के टॉप एजुकेटर का बेस्ट कॉन्टेंट आपके सामने अगर आ रहा हो विथ सच अ ब्यूटीफुल हैंडन नोट्स टू रिवाइज एनसीआर डिकोडेड फॉर्मेट में तो फिर क्यों ना हम आगे बढ़े क्यों ना हम इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करें क्यों ना हम हमारे सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज करें क्यों हम फी की नजरिए से इस छोटे से अमाउंट को देख रहे दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बेटा जो आपका बेटरमेंट करेगी शिक्षा पर किया गया निवेश कितने गुना रिटर्न दे सकता है निर्भर करता है आप कितनी जान डालते हो इसमें ठीक है ऐसे ही यहां पर आ रहा है, बेटा, आरंभ बेच जो 2025 के लिए है 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ये में मिल रहा है है में मिल आपको स्पेसिफिक बेच अगर आप एक्सेस करोगे और अगर आप प्लस एक्सेस करना चाहोगे इसका तो बेटा पचास है प्लस में और इसमें क्या डिफरेंस है तो प्लस अगर आप लेते हो तो जितने भी बेचेस होंगे सारे आपको एक्सेस हो जाएंगे विश्वास आरंभ शौर्य ठीक है और जितने भी बाकी बैचेस हैं जो पुराने हैं वो भी एक्सेस कर पाओगे जो आने वाले हैं वो भी एक्सेस कर पाओगे लेकिन स्टोर वाले केस में एक बेच ये है बस आप इसी में साल भर पढ़ पाओगे इसके अलावा दूसरा आपको नहीं एक्सेस होगा बेटा तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स आई होप आप सारी बातें यहां पर समझ गए हैं इफ़ यू गो अहेड विद दिस तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बेटा एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि सर अब मैं अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में अगर पढ़ना चाहता हूं मैं अन अकेडमी के ऑनलाइन बेचेस में अगर पढ़ना चाहता हूं और अगर मुझे मुझे स्कॉलरशिप चाहिए 90 परसेंट तक यानी कि मेरी फी कम से कम लगे मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ बिफोर स्टार्ट अर्निंग समथिंग मैं अपनी फीस तो कम से कम माफ़ करवा सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय नॉलेज अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये फी नहीं अफोर्ड कर सकते और इस वजह से शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं आपके पास वो हिम्मत है आपके पास वो नॉलेज है जिसके बेसिस पर आप इस एग्जाम में बैठकर रैंक लाकर और अपने लिए स्कॉलरशिप अरेंज कर सकते हो अपने मम्मी पापा को डे वन प्राउडफुल करा सकते हो कि अभी तो मैंने नीट क्रिक नहीं किया अभी तो मैंने आई आई नहीं किया लेकिन मैंने लाखों की फीस का बर्डन आज आपके ऊपर से हटा दिया तो मैं कम से कम इस काबिल तो हूं तो आप अपने टैलेंट के दम पर ये दिखा सकते हैं दुनिया को कि देखिए मैंने 90 परसेंट तक स्कॉलरशिप एक्सेस किया हुआ है और अब मैं इंदौर और कोटा लखनऊ जयपुर इन सभी सेंटर्स में से जहां नियरेस्ट है जहां आप जाना चाहते हैं, वहां पहुंचकर आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप अन के सेंटर्स ना ज्वाइन करते हुए अपने घर पे बैठकर मान लीजिए अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप हर जगह वैलिड होगी बेटा तो अन अकेडमी स्कॉलरशिप इसका टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली सुबह 11 से 12 26 मार्च से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन ये शुरू हो चुका है बेटा और चार से पाँच पी यानी कि दो अलग अलग शिफ्ट में चल रहा है क्लास एट से लगाकर क्लास ट्वेल्व तक सभी बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये नहीं नाइन्टी नाइन रुपीज़ का आपको इसमें थोड़ा सा चार्ज लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है नाइन्टी नाइन रुपीज़ का चार्ज है बेटा इतना तो हम दे ही सकते हैं ना नाइनटी नाइन रुपीज़ का टोकन अगर आपको नाइन्टी परसेंट स्कॉलरशिप करा रहा है मान लीजिए अगर मैं बात करूँ कि सपोज अगर एक लाख रुपये फी है और नब्बे हज़ार रुपये अगर उसमें माइनस हो जाए केवल दस हज़ार में हम पढ़ पाएँ और उसके लिए मुझे नाइन्टी नाइन रुपीज़ खर्च करना पड़े तो क्या दिक्कत है क्या कोई परेशानी आएगी इसमें नहीं आनी चाहिए तो इसलिए डिसाइड करो आज और अभी ठीक है राइट नाउ राइट अवे रजिस्टर कर लो फटाफट से और बच्चों अगर आप लखनऊ में पढ़ते हो अगर आप मेरठ में हो अगर आप पटना में हो तो अन अकेडमी के सेंटर्स पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं नई बैचेस शुरू हो चुकी है बेटा अन अकेडमी सेंटर लखनऊ में थर्टी परसेंट ऑफ चल रहा है फाउंडेशन बैचेस मैं बता दूँ थोड़ा फाउंडेशन के बारे में नाइन्थ और टेंथ वाले जो बच्चे उनके लिए ठीक है वहाँ पर भी जब आप सेंटर पर पहुँचते हैं आप एम एस लाइव कोड लगा सकते हैं ठीक है थेके? आप बोल सकते हैं कि मैं महेंद्र सर के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ तो यू विल बी अंडर माई मेंटोरशिप भले ही मैं बैठा कहीं और हूँ आप हों वहाँ पर बट यू विल बी अंडर माई गाइडेंस बेटा ठीक है 40% ऑफ आपको मिल जाएगा आईआईटी और नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं ह्यूज ह्यूज डिस्काउंट बेटा मेरठ सेंटर में आप जाओगे वहाँ 25% है पटना सेंटर में अगर आप जाओगे फाउंडेशन के लिए 20% है और 11th 12th यानी कि नीट और आईआईटी के लिए यहाँ पर 30% का अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है तो दिस इज द राइट टाइम बेटा जिसमें आप पहुंच सकते हैं सेंटर्स पे इन नंबर्स पर आप कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हो और अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्टेड हो अगर आप आना चाहते हो अगर आप इन सेंटर्स के अलावा इंदौर में अगर आप मुझसे पर्सनली ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो यू कैन कनेक्ट विथ मी बेटा फॉर श्योर मैं आपको यहां पर गाइड कर दूंगा हेल्प कर दूंगा ठीक है सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड विश ऑल दी वेरी बेस्ट लव यू ऑल टेक केयर ख्याल रखें अपना आनंद में रहे पढ़ाई करते रहे मचाते रहें बाय बाय टेक केयर